हेलो स्टूडेंट्स स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक पूरा कॉन्सेप्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस का और इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें यहां पर डाटाबेस में काम करना है उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि डाटा होता क्या है और इसमें काम को कैसे किया जाता है जैसे अगर मैं बात करूँ डाटा की तो डाटा बेस दो शब्दों से मिलकर बना है डाटा और बेस मतलब एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ पर तमाम डेटाओं को एक साथ रखा गया हो वैसे एरिया को या वैसे लोकेशन को या वैसे प्रोग्राम को हम डाटा बेस कहते हैं उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई वेबसाइट है और उस पर कुछ कंटेंट है तो उस वेबसाइट का कंटेंट कहीं ना कहीं किसी ना किसी डाटा में स्टोर होगा एक और उदाहरण ले लीजिए आप कोई भी पोस्ट करते हैं चाहे वो फेसबुक पे पोस्ट करें चाहे वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करे तो वो की गई पोस्ट कहीं ना कहीं फेसबुक या इंस्टाग्राम का जो डेटा बेस है वहाँ सेव होता है आप कभी भी किसी भी वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं तो आपका जो डेटा है वो उस वेबसाइट के डेटा में सेव हो जाता है तो इसी प्रकार से डेटा वो लोकेशन होती है जहाँ पर तमाम डेटा को आप एक साथ स्टोर करके रखते हैं अब डेटाबेस का यूज़ करके हम लोग बहुत सारे कामों को कर सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर एक छोटा सा प्रोजेक्ट पिक किया है और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत मैं आपको कुछ टेबल्स और उनके फॉर्म्स साथ ही उनकी क्यूरीज़ एंड रिपोर्ट बनाना बताने वाला हूँ तो इसी वीडियो में कंप्लीट देखना है पूरा का पूरा मैं एक्सेस एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूँ तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और एक्सेस में हर वो छोटी बड़ी बात जो आपको जाननी चाहिए वो मैं यहाँ कोशिश करूँगा कि आपको बताऊँ लेकिन मेरा विशेष फोकस रहेगा प्रोजेक्ट बनाने पर तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ से ब्लैंक डाटा को लेना है जब आप ब्लैंक डाटा लेते हैं तो आपके सामने यहाँ पर डाटा का इंटरफेस ओपन हो जाता है यहाँ पर आपको क्या करना है डाटा का नाम चुनना है जो कि आप कुछ भी रख सकते हैं मैंने रख दिया स्कूल मैनेजमेंट स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम मैंने यहां पर इसका नाम रखा उसके बाद यहां से लोकेशन चुननी होती है कि हम किस लोकेशन पर इस डाटा को सेव कर रहे हैं तो लोकेशन चुनने के लिए यहाँ क्लिक किया और सिंपली मैं इसे अपने डी ड्राइव के अंदर सेव करने जा रहा हूं मैंने डी ड्राइव के अंदर इसे ऐसे ही स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम नाम से सेव कर दिया अब इसके बाद क्या करेंगे यहां से हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे क्रिएट पर क्लिक करते ही आप देखेंगे कि एक डाटा एम एस एक्सेस में ओपन होकर आ गया और इस डाटाबेस में बाय डिफॉल्ट एक टेबल है मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ सिमिलरली आपको करना है तो इस टेबल को मुझे बंद करना है क्योंकि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मैंने ये टेबल बंद कर दी अब हमारे पास जो डेटाबेस अवेलेबल है वो पूरी तरह से ब्लैंक है पूरी तरह से खाली है अब क्या करें तो अब हम चार अलग अलग टेबल्स बनाएंगे ये चारों टेबल का आप स्क्रीन लेते जाइएगा क्योंकि यही चारों टेबल आगे जाके क्वेरी रिपोर्ट इन सब में काम आएंगे तो जैसे जैसे मैं बना रहा हूं टेबल आप भी मेरे साथ बनाते चलेंगे क्रिएट में गए आपको जाना होगा टेबल डिजाइन पे जब आप टेबल डिजाइन पे जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा फील्ड का नाम और डेटा टाइप मैंने यहाँ फील्ड का नाम लिखा इंक्वायरी नंबर और हाँ याद रखिएगा नहीं लगाना है ऑटो जनरेट करा देंगे इसे उसके बाद इंक्वायरी नंबर पे ही क्लिक करना है और प्राइमरी की बना देना है ध्यान रहे यहाँ माउस का बहुत कम प्रयोग करने वाले हैं हम तो आप टैब बटन दबाकर इन कामों को कर सकते हैं इंक्वायरी नंबर के बाद मैंने लिख दिया स्टूडेंट नेम स्टूडेंट का नाम जो कि शॉर्ट टेक्स्ट ही रहेगा और नीचे आप देखो कि यहाँ पे 255 लिख रहा है 255 की जगह हम इसको कम करके 20 या 25 कर सकते हैं इससे होगा ये कि हम 20 अक्षर से बड़ा नाम नहीं लिख पाएंगे स्टूडेंट नेम की बात हम लोग यहाँ पे फादर्स नेम को ले लेते हैं और फादर्स नेम के साथ भी वही कंडीशन रहेगी कि हमें बीस या पच्चीस अक्षर यहाँ पर देने हैं हाँ शॉर्ट टैक्स रखेंगे इसको उसके बाद हम इंक्वायरी करने वाले हैं तो इंक्वायरी करते टाइम हमें नेम फादर्स नेम और मोबाइल नंबर से ज़्यादा मतलब होता है तो मोबाइल नंबर हमने ले लिया मोबाइल नंबर हमने यहाँ पे टेक्स्ट ही रखना है शॉर्ट टेक्स्ट ही रखना है और यहाँ पर टेन कर देना है जिससे कि दस अक्षर से ज्यादा का मोबाइल नंबर ना ले फिर आते हैं यहाँ मोबाइल नंबर के बाद हम एड्रेस ले लेंगे और एड्रेस में शॉर्ट टेक्स्ट की जगह आप चाहें तो यहाँ से लॉन्ग टेक्स्ट अप्लाई कर सकते हैं फिर अगले में आते हैं और इसमें हमें जो है रीमार्क्स ले लेना है रीमार्क्स ले लेना है रीमार्क्स में भी आप लॉन्ग टेक्स्ट का यूज करेंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सेम टू सेम आपको ऐसा ही बनाना है पहला टेबल चलिए उसके बाद दबाना है कंट्रोल के साथ एस बटन ताकि टेबल सेव हो और टेबल का नाम आपको रखना है इंक्वायरी टेबल इंक्वायरी टेबल मैं जैसे बता रहा हूं उतना आपको करते चलना है इंक्वायरी टेबल हमने रख दिया अब इसके बाद इसे कर देना है क्लोज यहां से हमने इसे क्लोज कर दिया आप देख सकते हैं यहां इंक्वायरी टेबल बनकर आ गई है आप चाहें तो इसके अंदर डाटा को फिल कर सकते हैं बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इसके अंदर कोई भी डाटा अभी ना भरे चले तो इंक्वायरी टेबल बन चुकी है दूसरा टेबल हमें बनाना है और वो जो टेबल होगा वो होगा हमारा रजिस्ट्रेशन के लिए उसके लिए जाना है क्रिएट में डिजाइन पे जाना है टेबल डिजाइन पे और फिर यहां से चुनना है रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन हम चाहते हैं ऑटो नंबर हो मतलब ऑटोमेटिक जनरेट हो इसलिए हमने इसको ऑटो नंबर डाला है एंड प्लस में इसे प्राइमरी की भी बनाया प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा बट फिलहाल जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे आप भी साथ साथ बनाते चलो फिर मैंने यहाँ पर स्टूडेंट का नाम लिया और स्टूडेंट का नाम शॉर्ट टेक्स्ट मैंने जैसे कि बताया था कि मुझे 20 या 25 अक्षर ही यहाँ पर रखने हैं तो वो आप साइज़ में जाकर कर सकते हैं फिर अगर देखा जाए तो फादर्स नेम भी यहाँ पर हम ले लेते हैं फादर्स नेम और फादर्स नेम के लिए ने भी साइज हम सेट करेंगे वही चीज़ शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे साइज़ बीस या पच्चीस कैरेक्टर सेट कर देंगे बाकी हमें यहाँ पे मदर्स नेम भी रखना है मदर्स नेम और मदर्स नेम में भी हमने वही बीस या पच्चीस कैरेक्टर सेट किए फिर मोबाइल नंबर भी हमें लेना है यहाँ पे तो हमने रजिस्ट्रेशन टाइम मोबाइल नंबर ऐड किया जिसका साइज़ हमें टेन रखना है तो टेन हमने इसका साइज रख लिया इसके बाद हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कि आप किस कोर्स के लिए इन हो रहे हैं कौन से कोर्स में आपका एडमिशन लिया जा रहा है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया सी ओ यू आर एस ई कोर्स एंड देन यहां पर आप शॉर्ट टेक्स्ट रख सकते हैं बट मैं चाहता हूं ना कि मुझे कोर्स में एक ड्रॉप डाउन मेन्यू मिले तो उसके लिए आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना पड़ेगा और वो ड्रॉप डाउन मेन्यू आप बनाएंगे लुकअप विजार्ड से तो यहाँ पे जाना है आपको लिस्ट में से आपको चुनना है लुकअप विजार्ड अब लुकअप विजार्ड में आपको यहाँ से चुनना है आई विल टाइप इन द वैल्यू दैट आई वॉन्ट फिर यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और जो लिस्ट आपको चाहिए वो आप यहाँ पे बनाएंगे मैंने लिखा ए डी सी ए टैब दबाएंगे डी सी ए फिर से टैब इंटर नहीं दबाना है याद रखना है सी एफ ए फिर टैब दबाया डी टी एन पी और एक टैब दबाकर हमने ए डी सी ए डाल दिया अब इसके बाद में हम करेंगे नेक्स्ट और यहाँ से लिमिट टू लिस्ट कर देंगे ताकि लिस्ट में और चीजें ऐड नहीं होनी चाहिए और अगर आप अलाउ मल्टीपल वैल्यू करेंगे तो आप एक बार में एक से ज्यादा कोर्सेज चुन सकते हैं बट मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना सो so मैंने इसको ब्लैंक रहने दिया फिर यहां से कर देना है फिनिश अब आप सोचेंगे कि यहां लुकअप विजार्ट लगाया गया था और यहां शॉर्ट टेक्स ही लिख रहा है तो ये ऐसे ही करेगा आपका इंटरनली लुकअप विजार्ट लग चुका है इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया लुकअप विजार्ड मतलब यहां पे लुकअप विजार्ड को यूज किया गया है डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया कोर्स के बाद हम उसकी फ़ी को भी यहाँ मेंशन करेंगे और फी में जो डेटा टाइप रखेंगे वो रखेंगे हम करेंसी ठीक है मोबाइल नंबर हो गया कोर्स हो गया कोर्स का फी हो गया उसके बाद में हम चाहें तो यहाँ ड्यूरेशन भी सेट कर सकते हैं तो हमने यहाँ पे ड्यूरेशन भी डाल दिया ड्यूरेशन ड्यूरेशन में आ, हम चाहें तो लिस्ट लगा सकते हैं और नहीं तो हम ऐसे ही उसे छोड़ देंगे ठीक है अब चलते हैं आगे और अगला हमें क्या करना है ड्यूरेशन हो गया हमारा फी हो गया करेंसी हो गया ड्यूरेशन हो गया इसके बाद में आप चाहें तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ठीक है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जिसमें आपको जो डेट एंड टाइम यहां से सेट करना होगा आपको यहां से डेट एंड टाइम सेट करना है चलो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बाद आप और क्या चीज इसमें ऐड कर सकते हैं तो हमें यहां पर चाहिए फोटो फोटो जो भी है आपको यहां पे फोटो भी चाहिए जिसके लिए अटैचमेंट का यूज करना है और लास्ट में हमें चाहिए रिमार्क्स ठीक है रिमार्क्स में हमेशा तरह लॉन्ग टेक्स्ट को ही यूज किया जाएगा तो ये ओवरऑल बातें हो गई जो आपको रजिस्ट्रेशन टेबल की चाहिए, चाहिए। कंट्रोल करना है नाम इसका लिखना है रजिस्ट्रेशन टेबल ठीक है रजिस्ट्रेशन टेबल अब आप इसका स्क्रीन ले लीजिए और जैसे जैसे मैंने बताया है वैसे वैसे आप इसको कर सकते हैं ठीक है एड्रेस अभी हमने इसमें नहीं लिया क्योंकि हम उसे अगले वाले में लेंगे चलिए तो इतना हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन टेबल अब इसके बाद इसे कर देना है क्लोज एंड तीसरे टेबल की ओर बढ़ना है मैंने जैसे कहा था पाँच चार टेबल हम बनाएंगे तो अब तीसरे टेबल की ओर बढ़ेंगे हम और जो तीसरा टेबल होगा हमारा वो बनेगा क्रिएट टेबल डिज़ाइन और यहाँ पर हम तीसरा टेबल बनाना शुरू करेंगे इसमें करना है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लेकिन इस बार याद रखिए कि रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ऑटो जनरेट नहीं होगा इसलिए इसको नंबर लेकर छोड़ देंगे बाकी प्राइमरी की इसको बनाना है प्राइमरी की इसको रख देंगे प्राइमरी की लगाना भूलना नहीं है क्योंकि अगर आप प्राइमरी की लगाना भूलेंगे तो फिर एक एक्स्ट्रा आईडी नाम से जो है जनरेट हो जाएगा ठीक है एक एक्स्ट्रा आईडी जनरेट हो जाता है इसलिए आपको प्राइमरी की लगाना भूलना नहीं है अच्छा प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूँ प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट होता है कि एक जैसा रजिस्ट्रेशन नंबर उस टेबल में दोबारा नहीं आ सकता मतलब डेटा रिटेंडेंसी को कम करता है डेटा रिटेंडेंसी का मतलब होता है डेटा डुप्लीकेट होने से रोकता है तो प्राइमरी की हमने रजिस्ट्रेशन नंबर को बना दिया इसके बाद हम यहाँ पर स्टूडेंट का नाम डाल सकते हैं एडमिशन टाइम भी स्टूडेंट्स का नाम फादर्स नेम और मदर्स नेम हम उधर ले चुके हैं रजिस्ट्रेशन टाइम तो हमें यहाँ पर डालना क्या है Uh, हमें यहाँ पर डालना है डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ बर्थ का जो डेटा टाइप रहेगा वो रहेगा डेट एंड टाइम ठीक है डेट ऑफ बर्थ के बाद हम यहाँ पर ईमेल ले सकते हैं ईमेल आईडी अच्छा ईमेल आईडी आई डी यहाँ पर हम ले रहे हैं क्योंकि मोबाइल नंबर हम ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन में ले चुके हैं अगर आपको देखना हो कि आपने क्या क्या लिया है तो आप रजिस्ट्रेशन पर राइट क्लिक करेंगे डिजाइन व्यू में जाएंगे आपको यहाँ पर सारी चीज़ें दिख जाएंगी आपने कौन कौन सी चीज़ें यहाँ ले रखी हैं ठीक है तो फादर्स ने मदरस ने हम मोबाइल नंबर था हमने क्या ले लिया हमने ईमेल आईडी ले लिया डेट ऑफ बर्थ ले लिया उसके बाद कोर्स का नाम और कोर्स का फ़ी हम रजिस्ट्रेशन टाइम ऑलरेडी ले चुके हैं तो उसको हम रहने देंगे और इसके अलावा हम और कुछ लेंगे जैसे हमें लेना है एड्रेस तो हमने यहाँ से एड्रेस लिया एड्रेस में हम पूरा एड्रेस लेना चाहते हैं इसलिए लॉन्ग टैक्स लगा दिया और एड्रेस के बाद हम चाहें तो यहाँ एडमिशन डेट एडमिशन की तारीख ले लेंगे हम यहाँ जो कि डेट एंड टाइम होगा और एडमिशन डेट के अलावा हम इसमें क्या मेंशन कर सकते हैं क्वालिफिकेशन मेंशन कर लेते हैं क्वालिफिकेशन ये इसकी क्या क्वालिफ़िकेशन रही होगी आप चाहें तो क्वालिफिकेशन में लुकअप विजार्ड का यूज़ कर सकते हैं लुकअप विजार्ड लगा देने से एक तरह से हमें वैलिड uh, हो जाता है कि यही डाटा लेना है अब यहाँ पर लुकअप विजार्ड में हमने लगाया टेंथ फिर लगा दिया ट्वेल्थ फिर लगा दिया ग्रेजुएशन ठीक है ग्रेजुएशन उसके बाद हम पी लिख देते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद अदर कोई कर देते हैं मतलब इसके अलावा कोई डिग्री फिर हमने नेक्स्ट किया लिमिट टू लिस्ट अलाउ नहीं करना है फिनिश फिर यहाँ पे याद रहे तो इसके लिए मैंने लिख दिया लुकअप विजार्ड मतलब यहाँ लुकअप विजार्ड लगाया गया है क्वालिफिकेशन के बाद हमने यहाँ पर पासिंग ईयर डाल दिया पासिंग ईयर अच्छा पासिंग ईयर से पहले ये जो क्वालिफिकेशन लिखे ना इसको मैं हाइयर क्वालिफिकेशन कर दे रहा हूँ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन कितना पढ़े हैं तो पासिंग ईयर में शॉर्ट टेक्स ही रखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है चार अक्षर डालते हैं क्योंकि पासिंग ईयर चार अक्षरों से ज़्यादा का नहीं होगा 2004 2005 ऐसे डालना होता है अब आगे बढ़ें तो पासिंग ईयर के बाद हम क्या डाल सकते हैं तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी प्रूफ कोड डाल सकते हैं ठीक है आई प्रूफ में आप क्या दे रहे हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं आईडी प्रूफ में भी हमें लुकअप विज़ार्ड बनाना है तो लुकअप विज़ार्ड बनाने के लिए हमने लुकअप विज़ार्ड चुना आई विल टाइप द वैल्यू डेट आई वॉन्ट नेक्स्ट किया यहाँ पर हम आई प्रूफ के कुछ नाम लिख दें जैसे हमने लिख दिया आधार कार्ड फिर हमने लिख दिया वोटर आई कार्ड ठीक है फिर हमने लिख दिया राशन कार्ड फिर हमने लिख दिया पैन कार्ड कार्ड के बाद हम चाहें तो इसमें मेंशन कर सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस ठीक है लाइसेंस और इसके अलावा कुछ अदर भी हम डाल सकते हैं बाकी हम नेक्स्ट करेंगे एंड लिमिट टू लिस्ट करके फिनिश करेंगे यहां पे हम लिख देंगे लुका विजार्ड लगा है ठीक है लुका विजार्ड हो गया इसके साथ साथ हम एक चीज और यहां मेंशन करेंगे आईडी प्रूफ नंबर आईडी प्रूफ नंबर मतलब जो भी आईडी प्रूफ आप लगा रहे हैं उसका नंबर क्या है तो उसका सीरियल नंबर या फिर जो भी इस पर नंबर लिखा है वो मैक्सिमम बीस कैरेक्टर का हो सकता है इसलिए हमने यहां लगा लिया आप एक चीज और यहां पे नोट कर सकते हैं वो है जेंडर डेट ऑफ बर्थ के जस्ट बाद मुझे करना है तो मैंने यहां ईमेल पर क्लिक किया और यहां से इंसर्ट किया मुझे यहां पर लगाना है जेंडर तो जेंडर यहां से लिया जेंडर में भी मैं लुकअप विजार्ड ही लगाऊंगा और लुकअप विजार्ड में मैंने कर दिया यहाँ से नेक्स्ट मेल लिखेंगे इसमें अगले वाले में फीमेल लिख देंगे अगले वाले में ट्रांसजेंडर लिख देंगे और इसके अलावा ऑर्डर नहीं करेंगे नेक्स्ट करेंगे लिमिट टू लिस्ट किया और फिनिश कर दिया तो ये ओवरऑल मैंने सारी चीज़ें बनाई इसके अलावा आप चाहे तो यहाँ एडमिशन डेट लिख सकते हैं एडमिशन डेट हालांकि हो चुका है तो रिमार्क्स लिख देते हैं रिमार्क्स फोटो हम लोग ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन टाइम ले चुके हैं इसलिए इसको रहने देंगे रिमार्क्स हमेशा लॉन्ग टेक्स्ट होगा चलो तो आशा करता हूं कि बातें आपको क्लियर हो गई कंट्रोल एस करेंगे और इसका नाम रख देंगे एडमिशन एडमिशन टेबल टेबल डन तो हमने यहाँ पे रख दिया है तो इस तरीके से हमने क्या क्या बना लिया हमने तीन टेबल बना लिए पहला जो टेबल था वो आपका इंक्वायरी टेबल था दूसरा रजिस्ट्रेशन तीसरा एडमिशन मैंने किसी में भी डाटा नहीं भरा है इसको याद रखिएगा चौथा टेबल हम बनाते हैं यहाँ से हम चले गए डिज़ाइन में और उसके बाद हम यहाँ बनाते हैं स्टूडेंट यहाँ पे बना लिया रिसिप्ट रिसिप्ट नंबर जो कि ऑटो जनरेट होगा उसके बाद इसको पहले प्राइमरी बनाओ क्योंकि प्राइमरी भूलना नहीं है रिसिप्ट नंबर के बाद हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर बनाया जो कि नंबर होगा और उसके बाद हम यहाँ पर स्टूडेंट का नाम लिखते हैं स्टूडेंट्स नेम जो कि शॉर्ट टेक्स रहेगा और एज इट इज बीस कैरेक्टर का हम यहां भी इसको मानेंगे फिर अगर हम बात करें स्टूडेंट नेम की तो स्टूडेंट का नाम हमने ले लिया उसके बाद में हम पेमेंट अमाउंट लेते हैं या कोर्स ले, ले लेते हैं यहां कि किस कोर्स में इसका एडमिशन है तो कोर्स में आपको याद है लुकअप विजार्ड हमने लगाया था तो लुकअप विजार्ड हम यहां पे फिर से लगा लेते हैं नेक्स्ट किया कोर्स जिस क्रम में हमने लगाया था उसी क्रम में लिखेंगे ए डी सी ए फिर लिखा था डी सी ए फिर लिखा था सी एफ ए टैब दबाते जाना है फिर डी टी पी और बाद में लिखा था ए डी आई टी ठीक है इसके अलावा लिख दिया था अदर फिर यहाँ से किया नेक्स्ट लिमिट टू लिस्ट किया और फिनिश कर दिया यहाँ पे जानकारी के लिए लिख देता हूँ कि यहाँ लुकअप विजार्ड का यूज़ करना है फिर हम आते हैं कोर्स का नाम तो हो गया उसके बाद हम यहाँ पे, पे पेमेंट अमाउंट लेते हैं कि पेमेंट अमाउंट कितनी है पेमेंट अमाउंट में हम करेंसी को यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम पेमेंट डेट ले लेते हैं पेमेंट डेट में डेट एंड टाइम का यूज़ करेंगे और एक ले लेते हैं हम पेमेंट मोड और पेमेंट मोड में लगाते हैं लुकअप वज़ार्ड पेमेंट मोड में हमने लुकअप वजार्ड इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर हमें पेमेंट का मोड सेट करना है तो मैंने लिखा कैश ऑनलाइन ठीक है उसके अलावा हम यहाँ पे चाहे तो कैश के बाद ऑनलाइन ऑनलाइन के बाद हम चाहे तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड लिख सकते हैं क्रेडिट कार्ड या फिर ओनली कार्ड लिख सकते हैं और बगल में क्रेडिट डेबिट हो सकता है क्रेडिट या डेबिट ऐसे हम कुछ मोड्स बना लेंगे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड उसके अलावा हम चाहें तो यहाँ पर और चीज़ें मेंशन कर सकते हैं लाइक नेट बैंकिंग है ना डी डी यानी डिमांड ड्राफ्ट डिमांड ड्राफ्ट और भी बहुत कुछ है ना चेक ये भी लिख सकते हैं और चाहे तो यहाँ पर आदर मेंशन कर सकते हैं बस इसको हमने कर लिया नेक्स्ट किया आपको जहाँ ज़रूरत पड़े आप वहाँ वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लुकअप वजार्ड यहाँ पे मैंने लगा लिया पेमेंट मोड के बाद हमने यहाँ रिमार्क्स को ऐड किया रिमार्क्स और इसमें लॉन्ग टेक्स्ट एज एज हमने रख लिया और कंट्रोल करके हम इसको सेव कर लेते हैं पेमेंट टेबल नाम से पेमेंट टेबल नाम से और इसको कर देते हैं ओके okay. अब आप देख सकते हैं कि यहां पर मैंने जो भी चीजें बनाई वो सारी बन गई मतलब मैंने यहाँ पे टोटल चार टेबल बनानी है अब बारी आती है इन टेबल्स में रिलेशनशिप करने की तो आशा करता हूँ कि आपको पहले इतनी चीजें समझ में आ गई है कि आपको इंक्वायरी टेबल कैसे बनाना है अगर कोई गड़बड़ी आपने कर दी है तो आप डिजाइन व्यू में जाकर सही कर सकते हैं डिजाइन व्यू में जाकर उसे सही कर सकते हैं मान लो कि आपने रजिस्ट्रेशन टेबल में कोई गड़बड़ी कर दी तो राइट क्लिक करें डिजाइन व्यू में जाए और उसे सही कर सकते हैं तो इस तरह से चार टेबल बने चारों टेबल को आप बारी बारी से खोल कर चेक कर सकते हैं कि हमारे चारों टेबल बने हैं कि नहीं याद रखिए आपको टेबल में डाटा नहीं भरना है कोई भी डाटा आप टेबल में नहीं डालेंगे किसी भी प्रकार का डाटा आपको इसमें नहीं डालना है अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि प्राइमरी की का क्या कॉन्सेप्ट है प्राइमरी की हम टेबल में इसलिए लगाते हैं कि एक से अधिक एक जैसे डाटा की एंट्री हम टेबल में ना कर सकें मान लीजिए कि, कि किसी बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर पाँच है और उसका एडमिशन हमने ले लिया रजिस्ट्रेशन नंबर पाँच से तो दोबारा कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर पाँच से हम एडमिशन ले लें लेकिन पेमेंट टेबल में एक खास बात है पेमेंट टेबल में हमने रिसिप्ट नंबर को प्राइमरी बनाया रजिस्ट्रेशन को नहीं इसका कारण ये है कि एक स्टूडेंट एक से ज़्यादा बार पेमेंट करेगा और अगर हम इसको प्राइमरी बना देंगे तो फिर क्या होगा कि एक स्टूडेंट एक से ज़्यादा बार पेमेंट नहीं कर पाएगा इसलिए हमने उसकी रसीद संख्या को प्राइमरी बना दिया तो ये था कॉन्सेप्ट अब इस प्राइमरी की की ज़रूरत पड़ती है हमें रिलेशनशिप में रिलेशनशिप कैसे करते हैं उसके लिए जाना है डाटा टूल्स में रिलेशनशिप में जाना है और यहाँ देखो आपको टेबल्स का लिस्ट शो कर दिया अगर ना शो करें तो आप यहाँ से ऐड टेबल कर सकते हैं या राइट right क्लिक करके शो टेबल्स कर सकते हैं अब यहाँ आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ आप देख सकते हैं टेबल शो करने लगा है आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको इंक्वायरी टेबल को रिलेशन में नहीं लेना है क्योंकि इंक्वायरी टेबल को हम साइड रखने वाले हैं मैं जब जो टेबल बता रहा हूँ जिस क्रम में बता रहा हूँ आपको यही लेना है सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन टेबल को यहाँ से ऐड कर लेना है एक बार ही ऐड करना एक से ज़्यादा बार नहीं उसके बाद आपको एडमिशन टेबल को यहाँ से ऐड कर देना है उसके बाद आपको पेमेंट टेबल को यहाँ से ऐड कर देना है जब तीनों टेबल ऐड हो जाए तो इसे क्लोज़ करिए और एक इस तरीके का डिज़ाइन बना लीजिए इससे कुछ हो नहीं होगा बस आपको रिलेशन समझ में आएगा मैंने रजिस्ट्रेशन टेबल थोड़ा नीचे पेमेंट टेबल थोड़ा नीचे और एडमिशन को बीच में रखा पहले रजिस्ट्रेशन कई बार ऐसा हो सकता है आपके साथ कि आप गड़बड़ कर दें मान लो रजिस्ट्रेशन टेबल इधर है तो आपको क्रम ये याद रखना है रजिस्ट्रेशन पहले रहेगा फिर एडमिशन और फिर पेमेंट अब आपको इनके बीच रिलेशन करना है रिलेशन ध्यान रखिए सिमिलर डेटा के बीच में होता है सिमिलर फील्ड्स के बीच में तो रजिस्ट्रेशन नंबर कौन से टेबल का रजिस्ट्रेशन टेबल का रजिस्ट्रेशन नंबर एडमिशन टेबल के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ जोड़ दीजिए उसके लिए सिंपली आपको इसे क्लिक करना है और उठा के इस पर रख देना है अब आपके सामने एक पॉपअप में आएगा जिसमें लिखा होगा कि रजिस्ट्रेशन टेबल का रजिस्ट्रेशन नंबर एडमिशन टेबल के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ जुड़ रहा है इनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को चेक करके आपको क्रिएट कर देना है तो इस तरीके से एक रिलेशन यहां पर बन गया वन टू वन इधर भी वन इधर भी वन अब इसमें क्या होगा कि जब तक कोई डाटा रजिस्ट्रेशन टेबल में नहीं आएगा वो एडमिशन टेबल में नहीं जा सकता ये हो जाएगा लेकिन अब हमें क्या करना है एडमिशन का रजिस्ट्रेशन नंबर उठा के पेमेंट के रजिस्ट्रेशन नंबर पे लिखना है रखना है ठीक है अब यहाँ पे देख लीजिए एडमिशन का रजिस्ट्रेशन नंबर पेमेंट के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ जुड़ रहा है इनफोर्स रेफरेंसियल इंटीग्रिटी तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी का एडमिशन नहीं हुआ तो उसका पेमेंट भी नहीं हो सकता तो ये है आपका रिलेशनशिप इस रिलेशनशिप को आपको क्रिएट कर लेना है क्रिएट करने के बाद आपको सिंपली इसे क्लोज करना है क्लोज करते टाइम इसको सेव करने के लिए बोला जाएगा आपने येस कर देना है तो अब क्या होगा कि अगर आप कोई डेटा डायरेक्ट पेमेंट टेबल में डालने की कोशिश करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो सिंपली इसको ट्राई मत करिए ये हो जाएगा बस तो जैसे मैंने बताया अभी तक इतना आपको कंप्लीट कर लेना है अब याद रखिए कि टेबल बना लिया हमने हमने टेबल के बाद रिलेशन कर दिया क्योंकि गलत डाटा एंट्री नहीं होनी चाहिए अब हमें करना है फॉर्म क्रिएशन फॉर्म क्रिएशन इसलिए करना है क्योंकि फॉर्म जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक आप टेबल के अंदर डाटा अच्छे से नहीं भर पाएंगे फॉर्म को बनाना ही इसलिए है कि हम टेबल में डाटा को अच्छे से फिल कर पाए उसके लिए क्या करना है उसके लिए सिंपली आपको जिस टेबल का फॉर्म बनाना है क्योंकि फॉर्म टेबल से ही बनेगा उस पर क्लिक कर देना है मुझे इंक्वायरी टेबल का फॉर्म बनाना है तो मैंने किस पे क्लिक कर दिया इंक्वायरी टेबल पे क्रिएट में जाना है और यहाँ से चुनना है आपको फॉर्म विजार्ड देख लीजिए जो स्टेप मैं बता रहा हूँ बस वही फॉर्म विजाट में आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं इंक्वायरी टेबल यहाँ पहले से ही सिलेक्ट है अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप ऐसे करते हो रजिस्ट्रेशन टेबल चुनकर फॉर्म विजाट पर जाते हो और आपको इंक्वायरी टेबल का बनाना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं इंक्वायरी टेबल आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप देखो कि यहाँ पर वो सारी सारा डेटा है जो इंक्वायरी टाइम आपने लिया है ठीक है आपको इसे सबको सेंड कर देना है बगल में कैसे सेंड किया ये जो दो वाले डॉट दिख रहे हैं आपको दो वाले लाइन दिख रहे हैं इससे या फिर वन बाय वन यहाँ से आपको सेलेक्टेड फील्ड में ये सारी चीज़ें चाहिए फिर आपको करना है नेक्स्ट कॉलमनर टेबल बनेगा इसको बनने दीजिए बाकी हम अपना एडिट करेंगे अच्छा यहाँ पे फिनिश करने से पहले ध्यान रखिएगा कि टेबल का नाम बदल दीजिए इंक्वायरी टेबल की जगह इंक्वायरी फॉर्म लिख दीजिए इसका नाम और यहाँ से फिनिश कर दीजिए आप देखेंगे कि एक फॉर्म बनकर आ गया है जिसका नाम है इंक्वायरी फॉर्म बट इस इंक्वायरी फॉर्म को आप अगर ध्यान से देखो तो ये अजीब तरीके से बना है कोई फील्ड छोटा कोई बड़ा कोई ऊंचा कोई नीचा इस तरह से बना है इसको आपको अपने हिसाब से एडिट करना है और साथ ही कुछ बटन्स भी लगाने हैं तो उसके लिए क्या करना है आपको इस पर राइट क्लिक करना है यहाँ करिए या फिर यहाँ राइट क्लिक करिए या फिर यहाँ क्लिक करिए कहीं से भी आपको डिज़ाइन व्यू में जाना है या तो आप यहाँ राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू में जाइए या तो यहाँ राइट क्लिक करके डिजाइन व्यू में जाइए या फिर सिंपली यहाँ क्लिक करके डिजाइन व्यू में जाइए जाना आपको डिजाइन व्यू में ही है इसके बाद आपको देखना ये है कि लेफ्ट साइड में जो बॉक्सेस दिए गए हैं ये तो इक्वल है अच्छा एक बात और याद रखिएगा किसी को भी आप अगर इधर उधर करेंगे तो दोनों हो जाएंगे इसलिए कंट्रोल जेड करिए और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करिएगा कुछ भी गड़बड़ हो जाए आपको तुरंत कंट्रोल जेड कर लेना है मान लो आपने ऐसे इसको उठा के इधर रख दिया गड़बड़ हो गया कंट्रोल जेड कर लीजिए आपको लेफ्ट साइड में कोई काम नहीं करना क्योंकि लेफ्ट साइड बराबर है राइट साइड में मान लो कि आपने इस वाले बॉक्स को इतना बड़ा बनाया और आपको सबका साइज यही रखना है तो फिर पहले पता होना चाहिए कि इसका साइज कितना है उसके लिए आप बगल में देखिए यहाँ पे दिया होता है प्रॉपर्टी सीट जो कि फॉर्म डिजाइन के अंदर आता है प्रॉपर्टी सीट अल्ट के साथ इंटर से भी आ जाएगा प्रॉपर्टी सीट में आपको जाना है ऑल में यहाँ पे ऑल लिखा होगा यहाँ जाना है या फॉर्मेट में भी जा सकते हैं ऑल में चलते हैं यहाँ आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा विड्थ w i d t h जो कितनी है ये है आपकी 2.1458 जो कि इसकी चौड़ाई है जो सेलेक्ट है उसकी चौड़ाई है और हाइट है 2.0.21 इस चीज को आप कहीं नोट कर लीजिए या मेंटली याद कर लीजिए मैं इसे कर लेता हूं 2.1 और इसे 0.21 ऐसे मैंने याद कर लिया इसे अब आपको क्या करना है यहाँ बाहर से क्लिक करते हुए इन सब को सिलेक्ट करना है केवल राइट वाला लेफ्ट वाला नहीं और आपको सिंपली जाना कहाँ है वेड पे 2.1 टाइप कर देना है और 0.21 टाइप कर देना है आप देख सकते हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो चुकी है ठीक है अब आपको सिंपली ये जो नीचे वाला है इसको थोड़ा सा ऊपर एरो बटन से कर लेना है बीच की दूरी अगर आप चाहते हैं कि बराबर हो तो आप देख सकते हैं लेफ्ट में भी बीच की दूरी में अंतर है राइट में भी अंतर है तो आपको सब सेलेक्ट करना होगा इस बार सेलेक्ट सब सेलेक्ट कर लिया अरेंज में गए और आपको यहां मिलेगा साइज एंड स्पेस साइज एंड स्पेस फिर आप देखो यहां लिखा होगा इक्वल हॉरिजेंटल ये लेफ्ट राइट बराबर करने के लिए होता है और इक्वल वर्टिकल जो है ऊपर नीचे से चीजों को बराबर करने के लिए होता है जैसे ही हमने इसको किया आप देख सकते हैं इनके बीच की दूरी एकदम बराबर हो चुकी है इसके बाद हमें थोड़ा सा इसमें फॉर्मेटिंग करना है और उसके लिए मैं क्या करूंगा यहां फॉर्म डिजाइन पे गए और उसके बाद हमने यहां से चुना रेक्टेंगल और फिर एक बना दिया रेक्टेंगल ठीक है अच्छा कई बार आपके साथ ऐसा होगा कि जब आप इसको डिजाइन व्यू में खोलेंगे ना तो आपको ऐसे ग्रिड्स दिखाई देंगे आपको ग्रिड्स दिखाई देंगे ऐसे छोटे छोटे इनको हटाने के लिए राइट क्लिक करके ग्रिड्स बंद कर दीजिएगा तो ऐसे ब्लैंक आएगा फिर हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा चौड़ा कर लेते हैं तक। कंट्रोल सेंटर होता है। अगर ना पता हो तो कर सकते हैं तो मुझे सेंटर चाहिए थोड़ा साइज को बड़ा करते हैं बीस की जगह हमने अट्ठाईस कर दिया और थोड़ा सा बड़ा करना है तो हमने यहां पे सेवेंटी कर दिया ज्यादा बड़ा हो गया कंट्रोल शिफ्ट लेस देन हल्का छोटा करने के लिए डन इसके बाद फॉर्मेट में ही आपको मिलेगा बोल्ड इससे बोल्ड कर दिया यहां से टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं जो मैंने ब्लू कर दिया ठीक है ये फॉर्म इतना बड़ा है तो इसको हल्का छोटा करके इतना पर रख लिया बाकी नीचे से फूटर एरिया को आप कम कर दीजिए ठीक है अगर नीचे ऐसे फूटर ओपन है तो उसको भी आप कम कर दीजिए क्योंकि फूटर की आवश्यकता हमें नहीं है अब इस एरिया में हमें कुछ बटन्स बनाने हैं उन बटन्स को कैसे बनाएंगे आप ध्यान से देखिएगा लेकिन उससे पहले मैं एक काम करता हूँ इनको थोड़ा मैं ब्लैक कलर दे देता हूं ठीक है और ये जो लेफ्ट में बॉक्सेस है ना इन बॉक्सेस को मैं बोल्ड कर दे रहा इतना काम आपको कर लेना है अब हमें बनाना है बटन तो बटन बनाने के लिए फॉर्म डिजाइन में जाए बटन पे जाए और यहां सिंपली आपको एक बटन ड्रॉ करना होगा बटन्स ड्रॉ करने के बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें बटन के लिए एक्शन दिए गए होंगे कि उस बटन का काम क्या होगा तो आपको क्या करना है उसका काम सोचना है मैं जिस क्रम में बता रहा हूं आप उसी क्रम में करना आपको रिकॉर्ड ऑपरेशन में जाना है और एड न्यू रिकॉर्ड लेना है यहां से क्या लेना है एड न्यू रिकॉर्ड क्योंकि इसका काम होगा नया रिकॉर्ड एड करना फिर आपको यहां से टेक्स्ट चुनना है क्योंकि आपको बटन पे टेक्स्ट चाहिए और यहां से हम ऐड को हटा के ऐसे करते हैं कि न्यू रिकॉर्ड कर देते हैं ऐड की जगह हमने कर दिया न्यू रिकॉर्ड मतलब इस बटन का काम क्या होगा नया रिकॉर्ड एंट्री करना नेक्स्ट किया एंड इसको कर दिया फिनिश तो आप देखो यहां पर एक बटन आ गया जिस पे लिखा है न्यू रिकॉर्ड ऐसे ही आपको बहुत सारे बटन बनाने हैं और बार बार बनाने हैं तो दूसरी बार जब हमने इसको बटन को यहां बनाया अभी आप अरेंजमेंट की चिंता ना करें तो यहां मैंने लिख दिया इस पे नेक्स्ट नेक्स्ट किया और यहाँ नेक्स्ट रिकॉर्ड लिख कर आ रहा है तो इस पर क्लिक किया यहाँ सैंपल आप देख सकते हैं कि ऐसा ही बटन आपका बनेगा फिर यहाँ से नेक्स्ट किया और फिनिश किया ये देखो नेक्स्ट रिकॉर्ड लिखा बटन बन गया फिर आपको तीसरा बटन बनाना है जिस पे लिखा होगा प्रीवियस रिकॉर्ड तो आप इस पे प्रीवियस पे जाएंगे नेक्स्ट करेंगे अगर आपने ऐसे ही फिनिश कर दिया ना तो बटन आपका कुछ ऐसा सिंबल बनकर आएगा तो मुझे सिंबल नहीं चाहिए इसलिए मैंने इसको डिलीट किया और फिर से बनाया फिर से हमने बनाया और इस बटन का काम है गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड हमने यहां से नेक्स्ट किया यहां से प्रीवियस रिकॉर्ड रहने दिया ऊपर देख सकते हैं आप प्रीवियस रिकॉर्ड का सैंपल दिखा रहा है नेक्स्ट किया किया एंड फिनिश प्रीवियस रिकॉर्ड लिखकर आ गया फिर उसके उसके बाद बाद क्या करेंगे उसके हम चाहते हैं कि सेव रिकॉर्ड का ऑप्शन आए तो सेव रिकॉर्ड आपको इधर तो मिल नहीं रहा तो इधर से व्यू बदलेंगे और देखेंगे यहां पर दिया है सेव रिकॉर्ड नेक्स्ट किया सेव रिकॉर्ड पे क्लिक किया आप सैंपल में देख लेना और उसके बाद नेक्स्ट एंड फिनिश तो सेव रिकॉर्ड आ गया इसके बाद हम क्या करेंगे अगले बटन की ओर बढ़ेंगे। अगला जो बटन है हमारा डिलीट का होगा या फाइंड का रख लेते हैं तो पहले फाइंड रिकॉर्ड करते हैं हम याद रखिएगा आपको नहीं करना है कभी भी और फिनिश कर दिया ये फाइंड रिकॉर्ड हो गया उसके बाद आपको डिलीट के लिए बटन चाहिए तो डिलीट के लिए बटन आपका यहां मिल जाएगा डिलीट डिलीट रिकॉर्ड एंड यहां से नेक्स्ट एंड फिनिश एंड फाइनली एक लास्ट बटन आपको बनाना है जो कि है क्लोज तो उसके लिए फॉर्म ऑपरेशन पे जाएंगे क्लोज फॉर्म करेंगे नेक्स्ट करेंगे एंड यहां से क्लोज फॉर्म पे क्लिक करके फिनिश कर देंगे तो इस तरीके से ये सारे बटन तो बन गए अब इनको आपको अरेंज करना है सबसे पहली चीज आपको इनको लेफ्ट साइड में अरेंज करना है तो उसके लिए आपको जाना होगा अरेंज में अलाइन में और लेफ्ट पे दूसरी बात आपको इनका साइज सेट करना है तो साइज जो है वो आप देख लेंगे साइज इसकी विड क्या है 1.25 और हाइट क्या है 0.28 मैं इसको 0.3 कर दूंगा हाइट को तो मैंने क्या किया इसको सेलेक्ट किया 1.25 इसकी वेट रही 1.25 पॉइंट विड रही और यहाँ 0.3 इसकी हाइट रही बाकी इसको बीच से बीच की दूरी बराबर करनी है तो अभी अभी सीखा था कि स्पेस में जाना है इक्वल वर्टिकल चुनना है और आप देखो बीच की दूरी यहाँ पे बराबर हुए. इसके अलावा आप चाहें तो इन बटन्स के लिए फॉर्मेट में जाकर क्विक स्टाइल चुन सकते हैं और ये वाला ले लेते हैं और इसके लिए आप शेप भी चुन सकते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे बटन्स बनकर आ चुके हैं और इन बटंस का काम एग्जैक्टली वही होगा जो इस पे लिखा हुआ है क्योंकि हमने इसे वन बाई वन बनाया है आप चाहें तो बटन्स में कुछ डिजाइनिंग और दे सकते हैं लेकिन मेरे हिसाब से ये ठीक है थोड़ा सा इसको लेफ्ट में बराबर करने की जरूरत मुझे लग रही है तो मैंने अलाइन से यहां से लेफ्ट में बराबर कर दिया अब ये प्रॉपर आपका बन चुका है तो एक फॉर्म बनाने में आपको इतना समय देना पड़ेगा लेकिन अगले फॉर्म को बनाने में इतना ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है आपको सिंपली कंट्रोल एस कर लेना है फॉर्म तो बन के रेडी है अब आते हैं हम आगे इंक्वायरी फॉर्म को बंद किया और दूसरा फॉर्म हमें बनाना है रजिस्ट्रेशन के लिए तो रजिस्ट्रेशन टेबल पे गए और यहां से हमने चुना फॉर्म विजार्ड आपने जो टेबल चुन रखा है उसी टेबल का फॉर्म बन के आने लगा यहां ध्यान रखना आपको सारी चीजें लेनी है अगर आपके सिस्टम में कोई डॉट से रिलेटेड चीज आ रही है जैसे फोटो डॉट फाइल डाटा फोटो डॉट समथिंग समथिंग उनको नहीं लेना है तो आप वन बाय वन यहां से सब चीजें ले लें ध्यान रखिएगा फोटो के साथ हो सकता है आपके सिस्टम में फोटो डॉट फाइल डाटा फोटो डॉट तो जितने में भी डॉट आया होगा उसको नहीं लेना है फोटो एंड रिमार्क्स ले लेना है तो ये सारी चीजें हमने ले, ले ली नेक्स्ट किया आ गया। लेकिन ये इधर -उधर से आ गया है हमें इसको एक जैसा करना है राइट क्लिक किया डिजाइन व्यू में गए और डिजाइन व्यू में जाने के बाद में जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपको इसका साइज देख लेना है क्या था साइज 0.21 इसकी चौड़ाई रखी थी हमने 1.2 सॉरी 2.1 इसकी चौड़ाई रखी थी पिछले वाले में और 0.21 हमने इसकी ऊंचा uh, ये रखी थी हाइट रखी थी तो वही हमें करना है फोटो को थोड़ा हम साइड रखेंगे और काफी ज्यादा बड़ा है फोटो रिमार्क्स को हम नीचे लाकर यहाँ रख देंगे डन अब इसको सेलेक्ट किया विड हमने लास्ट टाइम क्या रखा था टू और हाइट क्या रखी थी हाइट रखी थी जीरो तो ये आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर हो गया

मैंने इसको यहाँ पे क्या किया सिंगल ही मूव करके सेट कर लिया उसके बाद उसके बाद आप इसको बड़ा करके बराबर रखेंगे कंट्रोल ही करेंगे ताकि सेंटर हो जाए कंट्रोल बी करेंगे ताकि बोल्ड हो जाए और कंट्रोल सिर्फ ग्रेटर देन से थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा डन अब इसकी बारी है थोड़ी सी हम इसे क्या करेंगे सबको इधर से बड़ा करके यहां तक सेट कर देंगे और लेफ्ट से थोड़ा छोटा कर देंगे और लेफ्ट में जो चीजें लिखी है ना उनको थोड़ा हम बड़ा कर देंगे सिंपल यही तरीका है काम करने का फिर दोनों को सेलेक्ट किया अरेंज किया यहां पर आपको पता है इक्वल वर्टिकल का ऑप्शन आना चाहिए था क्यों नहीं आ रहा भाई इक्वल वर्टिकल और इक्वल वर्टिकल में हमने देखा कि ये सारे बराबर हो गए ठीक है लेकिन मुझे क्या करना है मुझे इन तीनों को थोड़ा सा और बड़ा रखकर यहां तक रखना है ये हो गए हमारे सारे सेट इसके बाद आपको फॉर्मेट में जाना है थोड़ा ब्लैक कर देना है जो लेफ्ट वाला है उसको थोड़ा आपको बोल्ड भी करना है और ये फोटो को दोनों ही करना है ब्लैक एंड बोल्ड दोनों करना है ठीक है चलिए तो ये हो गया हमारा एडमिशन फॉर्म लेकिन हमें इसमें बटंस भी चाहिए उससे पहले हम इसको कर लेते हैं सेट कंट्रोल ई से सेंटर कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से थोड़ा बड़ा कंट्रोल बी से बोल्ड और अभी अभी हमने किया था ब्लैक डन फॉर्म बन के रेडी है हमें इसमें क्या बनाना है हमें इसके अंदर एक मिनट में थोड़ा सा इसे बड़ा कर दूं जीरो पॉइंट टू वन की जगह मैं इसे ले लेता हूं जीरो पॉइंट टू फोर थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा और कुछ नहीं ठीक है अब मुझे यहां पे बटन चाहिए तो बटन दोबारा आपको बनाने नहीं है आपको पहले वाले में से कॉपी कर लेना है कैसे करेंगे इंक्वायरी फॉर्म में जाएंगे राइट right क्लिक करेंगे डिजाइन व्यू पे जाएंगे और जितने बटन आपने बनाए उनको सेलेक्ट से बटन जहां भी आपके आएंगे तरीका अगला फॉर्म बनाने का नीचे आप देख लेना वेस्ट जगह आपको नहीं देना है तो आप इसे छोटा कर दीजिएगा ठीक है चलिए तो ये फॉर्म हमारा बनकर रेडी है आप चाहे तो ऊपर का कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से बट मैं जो बता रहा हूं आप उसे करते चले जाइए जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करते चले जाइए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनने वाला है तो मैंने यहां तक कंप्लीट कर लिया अब इसको कर देंगे सेव ऑलरेडी सेव था और चलते हैं तीसरा बनाने आप चाहें तो इसे खुला छोड़ सकते हैं या फिर बंद भी कर सकते हैं तो मैं हमेशा प्रेफर करूंगा कि आप बंद कर देना तीसरा हमारा बनेगा एडमिशन जितने टेबल बने हैं उतने फॉर्म बनेंगे तो तीसरा फॉर्म हमारा बनेगा एडमिशन का और इस एडमिशन के फॉर्म में हम करेंगे क्रिएट फॉर्म विजार्ड एडमिशन का देखो यहाँ टेबल आ गया है नहीं आएगा तो आपको यहां से चुनना पड़ेगा बाकी आप देख लेना सबको चाहिए सब चीज यहां से चाहिए बस डॉट वाला नहीं जाना चाहिए इतना याद रखना है आपको नेक्स्ट किया नेक्स्ट किया यहाँ टेबल की जगह क्या लिख देंगे फॉर्म यहां पर हमने टेबल की जगह फॉर्म लिख दिया एंड फिनिश कर दिया तो ये हमारा एडमिशन का फॉर्म है अब एडमिशन फॉर्म को राइट right क्लिक करेंगे डिजाइन व्यू में जाएंगे और सही करेंगे सही करने के लिए सिंपल वही तरीका अपनाएंगे हम दोबारा सेलेक्ट किया अब अब तक आपको याद हो गया होगा कि प्रॉपर्टी शीट में हमने विड कितनी रखी थी विड रखी थी जीरो पॉइंट सॉरी वन पॉइंट टू वन टू पॉइंट वन सॉरी टू पॉइंट वन हाँ और जो हाइट रखी थी वो रखी थी जीरो पॉइंट टू फोर लास्ट टाइम जीरो पॉइंट टू फोर ये हो गई एंड उसके बाद इसको थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं बाकी रही बात इनके बीच की दूरी मेंटेन करना तो उसके लिए सेलेक्ट अरेंज साइज़ एंड स्पेस इक्वल वर्टिकल तो देखिए बीच की दूरी भी मेंटेन हो गई बाकी आप सेलेक्ट करेंगे इसे उसके अलावा फॉर्मेट में जाएंगे। लेफ़्ट चाहे तो आप कर सकते हैं बोल्ड कर सकते हैं एंड यहाँ से ब्लैक भी कर सकते हैं इसको आप चाहें तो बोल्ड हटा दीजिए इसमें बोल्ड की कोई ज़रूरत नहीं है बाकी रही बात बटन्स की तो आप चाहें तो दोबारा कॉपी कर लें लेकिन आपको याद हो कि अभी तक आपने दूसरा कुछ कॉपी नहीं किया है तो आप चाहे तो यहां क्लिक करके डायरेक्ट पेस्ट भी कर सकते हैं क्योंकि इसके बाद हमने और कुछ कॉपी किया नहीं था तो हम डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हैं थोड़ी सी हम इसको क्या कर दें थोड़ा सा हम इसे चौड़ा कर देते हैं बाकी आपको पता है कि अगर हम चाहें तो इसे थोड़ा सा बड़ा कर लें और रिमार्क्स ना मुझे मेरे हिसाब से थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए था क्योंकि लॉन्ग टेक्स्ट है इसके अंदर ऐसे अच्छा लगेगा देखने में बाकी रही बात एडमिशन फॉर्म की कंट्रोल ई किया कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन किया एंड कंट्रोल बी से बोल्ड किया उसके अलावा आप इसे थोड़ा चौड़ा और कर लें फॉर्मेट में आप ऑलरेडी हैं तो आप चाहे तो कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं अदरवाइज ऐसे ही छोड़ सकते हैं तो लो ये भी हमारा बनके रेडी हो गया तो देख सकते हैं आप कितने आराम से ये फॉर्म्स बन जा रहे हैं बस थोड़ी सी आपको नॉलेज नहीं चाहिए प्रैक्टिस करते करते हो जाएगी एक लास्ट फॉर्म बचा है जो है पेमेंट पेमेंट पे क्लिक किया क्रिएट में गए फॉर्म विज़ार्ड में गए और यहां से सारी चीजों को ले लिया नेक्स्ट नेक्स्ट पर फॉर्म कर देंगे फिनिश करेंगे और फिनिश करने के बाद हम इसे डिजाइन व्यू में खोलेंगे डिजाइन व्यू में गए फिर हमने इसको सेलेक्ट किया अभी हमें याद हो चुका है प्रॉपर्टी सीट में गए वेट इसकी रखी 2.1, 2.1 और हाइट रखी 0.24 रही बात बीच की दूरी को बढ़ाने की तो आप ऐसे बढ़ा सकते हैं तो अब हमें इनके बीच की दूरी को थोड़ी सी बढ़ानी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोनों तो को ऐसे सेलेक्ट करेंगे अरेंज में जाएंगे और यहां से आपको मिलेगा इंक्रीज वर्टिकल तो थोड़ी सी दूरी यहां से बढ़ गई अभी आपको याद है कि अगर आपने कॉपी एक बार किया था तो आप पेस्ट कर सकते हैं उन्हीं बटन्स को बटन्स आपको बार बार यहाँ पे क्या करने हैं पेस्ट कर लेने हैं और आप देख सकते हैं बटन्स बनाने का हमारा टेंशन खत्म क्योंकि एक बार अगर आपने बटन्स बना लिए हैं तो आप बार बार उन्हीं बटन्स को बनाएंगे और फिर यहाँ पे थोड़ा सा हमने इसे बड़ा कर दिया फिर कंट्रोल बी से बोल्ड कर दिया बाकी चीज़ें फॉर्मेट में जाकर आप चाहे तो कलर चेंज कर सकते हैं ये सब बाकी इस स्पेस को हम इधर कम कर देते हैं और फाइनली ये हमारा बन गया तो इतने से ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको बनाने में तो ध्यान रखिएगा ऐसे ही आपको बनाना है चार अलग अलग, अलग, -अलग फॉर्म्स बनाने थे आशा करता हूं कि आपने ये सारी चीजें समझ ली हैं, अच्छे से समझ ली है कि कैसे इनको बनाना है अब आइए मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे इन फॉर्म्स का यूज करके आप एंट्री करेंगे टेबल में एक एक एंट्री करेंगे पहले आपको इंक्वायरी फॉर्म खोलना है इंक्वायरी फॉर्म खोलने के बाद आपको देखो यहां पे इंक्वायरी नंबर जो कि न्यू लिख रहा है न्यू लिखने का मतलब यह होता है कि ऑटो जनरेट होगा इसको आपको डालने की आवश्यकता नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए और अगले वाले में डालिए स्टूडेंट का नाम मैंने स्टूडेंट का नाम डाल दिया सूरज सॉरी कुमार फादर्स नेम यहां पे मैंने लिख दिया रविशंकर पटेल और उसके बाद मोबाइल नंबर में डाला एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस देखो इससे ज्यादा लेगा भी नहीं क्योंकि हमने वहां सेट कर रखा था एड्रेस में हमने यहां पे डाल दिया लाह बाजार छपरा अभी हम इसको और ज्यादा मॉडिफाई करेंगे रिमार्क्स में लिख दिया मैंने दो दिन बाद ऐसे लिख दे रहा हूं दो दिन बाद एडमिशन होगा ऐसे कुछ मैंने रिमार्क्स डाल दिया एंड उसके बाद हमने से से कर दिया इसको सेव. सेव करने के बाद हम अगले पे चला गया प्रीवियस पिछले पे आ गया लेकिन इसमें एक चीज आप नोटिस करो कि यहाँ पे वन जो है ना लेफ्ट में नहीं होकर राइट में आ रहा है तो इसको ठीक करने के लिए तुरंत आप राइट क्लिक करेंगे डिजाइन में जाएंगे और इनको सेलेक्ट करके अलाइनमेंट सेट कर देंगे लेफ्ट साइड में डन ठीक है मैं इसके साथ एक चीज और ऐड करना चाहूंगा वो है कि मुझे सेव बटन पे जब क्लिक किया जाए ना तो एक मैसेज आना चाहिए तो उसके लिए हम सेव बटन पे राइट क्लिक करेंगे बिल्ड इवेंट पे जाएंगे बिल्ड इवेंट में सेव बटन की जो कोडिंग्स होती हैं वो आपको दिख जाती है आपको यहाँ पर एक नया कोडिंग जोड़ देना है एड न्यू एक्शन और इसमें जाकर लिख देना है मैसेज बॉक्स मैसेज बॉक्स आ गया आपका मैसेज यहां पर होगा रिकॉर्ड या ऐसे लिख दे रहा हूं सेव सक्सेसफुल ठीक है सेव सक्सेसफुल सेव कर दिया एंड क्लोज कर दिया अब इससे हुआ क्या कि आप चेक करो अगर तो जब भी मैं सेव बटन पे क्लिक कर रहा हूं तो यहां क्या आ रहा है सेव सक्सेसफुल लिखकर आ रहा है डन है सही अब इसके बाद हम इसे बंद कर देंगे इसी तरह से हम क्या करेंगे दूसरा टेबल खोल के चेक करेंगे अच्छा एक चीज और देखो कि इंक्वायरी फॉर्म में जब हमने ये डाटा भरा तो क्या ये डाटा टेबल में भी गया होगा इंक्वायरी टेबल खोल के चेक करो जी हाँ ये टेबल में भी गया है जबकि टेबल में हमने कोई डाटा भरा नहीं था ये टेबल में ऑटोमेटिक डाटा आ गया क्योंकि हमने डेटा को फॉर्म में भरा और फॉर्म में भरा तो वो टेबल में भी आएगा क्योंकि टेबल और फॉर्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं चलो रजिस्ट्रेशन टेबल में चेक करना जरा कोई डाटा है क्या नहीं है तो जब डाटा नहीं है तो आपको इसको भरने कहां से रजिस्ट्रेशन फॉर्म से अब इसमें भी न्यू लिख रहा है तो इसको छोड़ दीजिए और यहां से आप नया डाटा भरिए जैसे आ, नाम हमने क्या डाल दिया सूरज कुमार फादर्स नेम क्या था तो फादर्स नेम अभी आपको याद आएगा मैंने क्या लिखा था फादर्स नेम रविशंकर पटेल मैंने ऐसे लिखा था मदर्स नेम में हम डाल देंगे रीता देवी एंड मोबाइल नंबर हम यहाँ पे कुछ डाल देते हैं कोई दूसरा डाल दो या वही डाल दो ठीक है उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ कोर्स का नाम चुनेंगे कोर्स का नाम अब आपको लिखना नहीं है बल्कि इस ड्रॉप डाउन से चुनना है जब आपने कोर्स का नाम चुना तो यहाँ फी आना चाहिए था वो मैं आगे बताऊंगा कि कैसे फी ऑटोमेटिक आ जाएगा एट फाइव डबल जीरो आपको यहाँ टाइप करना है उसके बाद ड्यूरेशन तो ड्यूरेशन में आप चाहें तो लुकअप ऑफ लगा दें या फिर आप सीधा लिख सकते हैं ट्वेल्व मंथ्स मंथ्स लिख दिया उसके बाद डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में आप देखो यहाँ कैलेंडर आ रहा है इस कैलेंडर से आप टुडे चुन सकते हो मतलब आज का और फाइनली रिमार्क्स में आप डाल सकते हैं रिमार्क्स को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं कैसे करेंगे राइट क्लिक डिजाइन व्यू एंड आपको याद है मैंने अभी बताया था रिमार्क्स को बड़ा कर लेंगे इस तरीके से वापस फॉर्म व्यू में आते हैं रिमार्क्स बड़ा होने के बाद हमने लिख दिया एडमिशन ऑन एडीसी कोर्स बट टोटल फी इन फाइव डबल जीरो मतलब इस तरीके से मैंने लिख दिया कि याद रहेगा कि हाँ पचासी सौ कोर्स फी है बट इसका एडमिशन सेवन फाइव डबल जीरो ओनली में तो इसके बाद हम यहाँ से फोटो अपलोड करेंगे फोटो अपलोड के लिए यहाँ पे आपको जाना है मैनेज अटैचमेंट पे एड पे क्लिक करना है और इसके बाद आप चेक करो कि आपका फोटो कहाँ है फोटो हमारा है यहाँ डाउनलोड्स में सूरज नाम से मैंने फोटो रख रखा था यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया एंड ओके okay कर दिया आप देखो यहाँ पे फोटो आ चुका है इसके बाद आप कर करने सेव बट देखो फिर सेव करने पे मैसेज नहीं आया इसके लिए मैंने तरीका क्या बताया था राइट क्लिक करना है डिजाइन व्यू में जाना है और डिजाइन व्यू में आने के बाद फिर से आपको इसी बटन पे राइट क्लिक करके बिल्ड इवेंट में जाना है जो भी एक्शन लगा है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं जो न्यू एक्शन है उस पर आपको जाकर मैसेज बॉक्स देना है और यहां लिख देना है सेव सक्सेसफुल डन सेव सक्सेसफुल सेव करके बंद कर देना है अब आप चेक करो व्यू बदलो यहां से फॉर्म व्यू अब चेक करते हैं जी हाँ सेव सक्सेसफुल का मैसेज आ रहा है तो इस तरह से ये काम हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन का अब हम चलते हैं एडमिशन करने एडमिशन के लिए हम एडमिशन फॉर्म को यहाँ से खोलेंगे और ओपन किया इसमें एडमिशन लेते हैं एडमिशन टाइम ना मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर टू डाल दिया गलती से देखो रजिस्ट्रेशन हुआ है तो इसका रजिस्ट्रेशन नंबर कितना है वन एक चीज और कर लेते हैं इसी पे ये जो लेफ्ट और राइट right में आ रहे हैं उनको सबको लेफ्ट में ले लेते हैं डन ठीक है लेफ्ट में आने लगा अब आप ध्यान से अगर देखोगे तो क्या पता चलेगा आपको कि एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ है जबकि एडमिशन टाइम आप गलत डाल रहे हो टू गलत डालना है जानबूझ के स्टूडेंट का नाम क्या है सूरज कुमार डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए कि मैंने यहाँ ले लिया पंद्रह दस उन्नीस सौ उसके बाद हमने क्या ले लिया जेंडर में तो जेंडर में देखो लुकअप विज़ार्ड लगा था इसलिए यहां से लिस्ट खुल रहा है ई मेल में हमने ले लिया सूरज राज एट द रेट जी मेल डॉट कॉम उसके बाद एड्रेस ले लिया तो एड्रेस में हमने ले लिया लाह बाजार सलेमपुर उसके बाद हम एडमिशन का डेट आज का ही लेंगे तो इसके लिए हम यहाँ से टुडे कर देते हैं एंड मुझे uh, एक चीज़ इसमें कमी लग रही है जो मैं आगे सुधारूँगा उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या कर दिया ट्वेल्थ कर दिया पासिंग ईयर मैंने कर दिया 2018 और उसके बाद मैं यहाँ पे आईडी प्रूफ में चुना कि मैंने वोटर आधार कार्ड ले लिया और यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह मतलब बारह अंकों का आधार नंबर दे दिया रिमार्क्स में हम क्या डालेंगे रिमार्क्स में हम क्या डालेंगे कि एडमिशन सक्सेसफुल ठीक है एडमिशन सक्सेसफुल ऐसे कुछ लिख दिया रिमार्क्स में और इसके बाद हमने कर दिया सेव अब फिर से नोटिस करो कि सेव करने पे ये एक मैसेज आ रहा है जो मैसेज क्या करे यू कैन नॉट चेंज रिकॉर्ड बिकॉज अ रिलेटेड रिकॉर्ड इज रिक्वायर्ड इन रजिस्ट्रेशन टेबल तो आपको ध्यान होना चाहिए रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपने इसका नंबर कितना देखा था एडमिशन टाइम इसका रजिस्ट्रेशन नंबर दो डाल रहे हैं जो कि गलत है इसी वजह से ये नहीं ले रहा है अगर आप एक डालोगे तो ये सेव हो जाएगा बट फिर से वही प्रॉब्लम सेव करते टाइम आपको मैसेज नहीं आया राइट right क्लिक किया डिजाइन व्यू में गए इन बटन को ना मैं थोड़ा सा राइट right में खींच रहा हूँ यहाँ पे और सेव वाले बटन को मैंने ऐसे राइट right क्लिक किया बिल्ड इवेंट पे गए एंड लास्ट में जो एक्शन है उसी में जाकर मैसेज बॉक्स डाल दिया तो ये काम आप बार बार करेंगे याद हो जाएगा मैंने लिख दिया सेव सक्सेसफुल हर बार करना पड़ेगा अगर आप काम ये पहले ही कर लेते तो कॉपी पेस्ट में आपको करना नहीं पड़ेगा है ना व्यू बदलते हैं फॉर्म व्यू में जाते हैं आप चेक करते हैं रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुल हो चुका है डन हमारा काम हो गया हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया हमने एडमिशन ले लिया अब हम करेंगे पेमेंट तो पेमेंट के लिए पेमेंट फॉर्म को खोल लेते हैं और पेमेंट फॉर्म में देखो जहां न्यू लिखा है उसको छोड़ दो एक बार मैं ना इसको डिजाइन थोड़ा चेंज कर लू डिजाइन क्या है? चेंज करना है कि जो भी चीजें हैं वो लेफ्ट में आए या सेंटर में आए सेंटर में लाते हैं अपने हिसाब से आप डिजाइन को सेट कर सकते हैं चलिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाला हमने टू फिर से गलती डाल रहा हूं नाम है इसका सूरज फिर यहां पर कोर्स में दे दिया मैंने एडीसीए दे दिया कितना पेमेंट एक हज़ार ये दे रहा है अभी और पेमेंट की डेट भी क्या रहेगी आज की डेट ही रहेगी इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे कैश मोड में दे रहा है ये कर दिया अच्छा रिमार्क्स को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं डिजाइन व्यू में गए ओके तो ये गलती की वजह से नहीं ले रहा है कोई नहीं रिमार्क्स में अभी लिख दिया पेमेंट फॉर एडमिशन एडमिशन के लिए पेमेंट है बट क्या इसको सेव करने पे होगा जी नहीं इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन नंबर गलत डाल दिया है तो जब तक रजिस्ट्रेशन नंबर सही नहीं डाला जाएगा वो नहीं लेगा ठीक है फिर हम चलते हैं डिजाइन व्यू में हमें दो काम करना है पहला काम ये कि रिमार्क्स को हमें थोड़ा नीचे करना है दूसरी चीज़ मुझे लग रही है कि ये लेफ्ट में ही ज़्यादा अच्छा था तो मैंने कंट्रोल एल कर दिया बाकी सेव बटन की बात करें तो सेव बटन के लिए राइट क्लिक करेंगे इस पर सेव वाले बटन पे और बिल्ड इवेंट पर जाकर नया एक्शन ऐड कर देंगे जो कि है मैसेज बॉक्स और यहाँ लिख देंगे सेव सक्सेस फुल डन इतने के बाद आगे बढ़ें आगे बढ़ें ये हो गया हमारा कंप्लीट अब क्या करें तो ये सारी चीजें तो हो गई आ, एक मिनट मैं आपको करके दिखा दूं। व्यू चेंज करते हैं और इसको करके देखते हैं हाँ जी मैसेज आ रहा है क्लोज करते हैं इसको भी अगले वाले को भी सेव करते चलिएगा इसको भी सेव करते चलिएगा डन आप अगर जाके देखोगे तो पेमेंट भी हुआ है एक आदमी का उसी तरह से एडमिशन भी हुआ है और रजिस्ट्रेशन भी हुआ है तो ये सारी चीजें आपने की किसके थ्रू फॉर्म के थ्रू आशा करता हूं कि ये बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी अब हमने कम इसको 50 से 60 परसेंट कंप्लीट कर लिया है अब थोड़ी सी बातें और हैं छोटी छोटी बातें हैं उनको देख लेते हैं करना यह है कि सबसे पहले आपको इसमें से डाटा को फिल्टर करना है ठीक है क्योंकि हमने फॉर्म बना लिया है अब हमें डाटा फिल्टर करना है तो जैसे मैं कर रहा हूं वैसे आपको करना है सिंपली क्या करना है क्रिएट पे जाना है क्यूरी विजार्ड में जाना है क्यूरी क्या होता है जैसे फॉर्म के अंदर डाटा आपने भरा तो वो टेबल में गया अब टेबल से डाटा वापस लेना होगा तो क्वेरी करेंगे तीन क्वेरी करेंगे हम अलग अलग क्व्यू विजार्ड में गए सिंपल क्यूरी विजार्ड चुना और यहां से जो हम पहली क्यूरी करेंगे ना वो करेंगे हम रजिस्ट्रेशन टेबल से अच्छा याद रखिएगा रजिस्ट्रेशन टेबल से क्वेरी करते टाइम आपको, आपको जरूरी और उसके बाद फोटो ले लिया बस इससे ज्यादा चीजें नहीं लेनी स्क्रीन शॉट ले लेंगे आप डॉट वाला मैंने यहाँ नहीं लिया तो क्या क्या रखा रजिस्ट्रेशन नंबर स्टूडेंट का नाम फादर्स नेम मोबाइल नंबर कोर्स और फोटो इसको करेंगे नेक्स्ट और यहां पर हम रजिस्ट्रेशन टेबल क्वेरी की जगह ओनली रजिस्ट्रेशन क्वेरी कर लेंगे ठीक है रजिस्ट्रेशन क्वेरी इसका नाम रख लेंगे और नेक्स्ट कर देंगे आप देखो जो चीजें मैंने क्वेरी में ली थी बस वही यहां शो कर रही है इसका बहुत जरूरी काम है वो मैं बता दूंगा अब मैं दूसरा क्वेरी करने जा रहा हूं जो कि है क्वेरी विजार्ड सिंपल क्यूरी विजार्ड उसके बाद इस बार हमें जो क्वेरी करनी है वो करनी है आपको दोनों टेबल से मिला के आपको रजिस्ट्रेशन टेबल से भी कुछ डाटा लेना है जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर स्टूडेंट का नाम फादर्स नेम मोबाइल नंबर कोर्स फी और ड्यूरेशन एंड रजिस्ट्रेशन डेट फोटो भी ले लो ये सारी चीजें हमने कहां से ली रजिस्ट्रेशन टेबल से ध्यान से देख लीजिए रजिस्ट्रेशन नंबर स्टूडेंट का नाम फादर्स नेम मोबाइल नंबर कोर्स फी ड्यूरेशन और रजिस्ट्रेशन डेट फोटो ये हमने ले ली है कहां से रजिस्ट्रेशन टेबल से फिर टेबल बदलना है एडमिशन टेबल पे जाना है और यहां से आपको चुनना है डेट ऑफ बर्थ जेंडर क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं ठीक है उसके अलावा एडमिशन डेट ईमेल आप चाहे तो ले सकते हैं हाँ ईमेल भी ले लेना और उसके बाद में एडमिशन डेट ले, ले लेते हैं एंड और कुछ भी यहां पे लेने की आवश्यकता नहीं है नेक्स्ट किया नेक्स्ट किया इसका नाम आपको रखना है एडमिशन क्वेरी तो पूरा लिख देंगे एडमिशन क्वेरी एंड फाइनली फिनिश तो आप देखिए यहाँ पे हमने जो जो चीजें मांगी थी मतलब निकाली है उसमें से वो दोनों से आ रहा है तो आपको सिंपली ऐसे ही करना है उम्मीद करता हूं कि आपने वो फोटो ले लिया होगा नहीं है तो थोड़ा सा बैक होकर फोटो ले लीजिएगा अब तीसरा हमें करना है तीसरा क्या है क्यूरी रिजल्ट सिंपल क्यूरी और इस बार हमें पेमेंट टेबल का यूज करना है पेमेंट टेबल में हमें सारी चीजें चाहिए रिमार्क्स छोड़ के तो हमने यहाँ से रिमार्क्स को वापस कर दिया मतलब रिमार्क्स के अलावा बाकी सारी चीजें हमने ले ली नेक्स्ट किया नेक्स्ट किया और यहां पर पेमेंट टेबल क्वेरी नहीं ओनली फॉर पेमेंट क्वेरी डन तो यहां पर हमने इसे फिनिश कर दिया तीन क्वेरी अलग अलग आपको करनी है और बंद कर लेनी है याद रखिएगा रजिस्ट्रेशन क्वेरी क्वेरी एडमिशन और पेमेंट क्वेरी आपको करना होगा एक डेटा भरने के बाद अब हमें क्या करना है अब हमें रिपोर्ट जनरेट करना है रिपोर्ट कैसे जनरेट करेंगे तो उसके लिए आपको जाना है रिपोर्ट डिजाइन में रिपोर्ट जनरेट क्यों करेंगे पहले उसका रीजन समझ लीजिए जो भी डाटा आपने क्वेरी किया है उसको प्रिंट करने के लिए आपको रिपोर्ट जनरेट करना होगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आपको जाना है क्रिएट में रिपोर्ट डिजाइन में और यहां देखो पेज का हेडर आ रहा है पेज का फुटर आ रहा है इसको सबसे पहले बंद करो राइट right क्लिक किया पेज हेडर फुटर को हमने यहां से क्लोज कर दिया कर दिया क्लोज फिर हम क्या करेंगे फिर हमें जाना है यहां पर प्रॉपर्टी शीट में अल्ट के साथ इंटर दबा के भी हम आ सकते हैं प्रॉपर्टी शीट में आपको मिलेगा एक जगह डाटा अगर यहाँ डाटा में कुछ खाली सा आ रहा है तो आपको यहां से चुनना होगा रिपोर्ट जब आप रिपोर्ट चुनेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा रिकॉर्ड सोर्स इस रिकॉर्ड सोर्स के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके आपको क्वेरी का नाम चुनना है जिससे रिपोर्ट बनेगा तो मेरा जो क्वेरी है पहला वो है क्या रजिस्ट्रेशन क्वेरी तो यहाँ से मैंने रजिस्ट्रेशन क्वेरी को चुना और फिर क्लिक किया एड एग्जिस्टिंग फील्ड पे आप देख सकते हैं यहां पे वो सारा डाटा अवेलेबल है जो रजिस्ट्रेशन क्वेरी में था मैंने यहां पे क्लिक किया पहले वाले पे और शिफ्ट बटन दबा के कोर्स पे क्लिक किया फोटो पे नहीं फोटो पे नहीं और इसको उठा के मतलब क्लिक करके ड्रैग करके इस पर ड्रॉप कर देना है क्या करना है सिंपली यहां से उठा के इसे इस पे छोड़ देना है छोड़ने के बाद इसे आपको अच्छे से बनाना है यहां पर आपको मिल जाएगा लेबल लेबल लेकर आप इस तरीके से बना लीजिए ठीक है बना लिया बनाने के बाद आपको इस पर लिखना है स्टूडेंट आईडी कार्ड जैसे मैं बता रहा हूँ करते जाने कंट्रोल ई -E किया कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन किया और उसके बाद हम इसे थोड़ा छोटा रखेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा रखने की जरूरत नहीं है हमें फिर ये लेफ्ट वाले को हमने सेलेक्ट किया और यहां तक इसे बना लिया डन थोड़ा सा हम चाहें तो लेफ्ट साइड को बराबर कर सकते हैं बड़ा कर लीजिए ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है बाकी यहां फॉर्मेट में गए ब्लैक किया बोल्ड किया इसके बाद हम इसे थोड़ा बड़ा करेंगे जितना बड़ा हमें चाहिए तो इतना बड़ा इनफ है नाम वगैरह के लिए और रही बात फोटो की तो फोटो पे क्लिक करना है डॉट वाले पे नहीं फोटो पे क्लिक करके आपको इसे यहाँ रख देना है इसका लेफ्ट पार्ट मुझे नहीं चाहिए तो मैंने इसे सिंपली डिलीट कर दिया और ये राइट वाला जो पार्ट है ना इसको उठा के मैंने यहां पर सेट किया देख सकते हैं आप यहां पर हमने इसे लगा दिया फिर इसको थोड़ा और बड़ा किया यहां तक इसके बाद हम इसे और हल्का बड़ा करेंगे यहां तक थोड़ा नीचे कर लेते हैं एंड इन सब के लिए मैंने यहां से एक रेक्टेंगल चुना और रेक्टेंगल चुनने के बाद इसके ऊपर बना दिया अब रेक्टेंगल में कलर आ रहा है तो आपको जाना है कहाँ पे फॉर्मेट में या अरेंज में अरेंज में और यहाँ कर दीजिएगा सेंट टू बैक सबसे पीछे भेज दिया रेक्टेंगल को हमने सबसे पीछे भेज दिया तो ये हो गया हमारा क्लियर इसको हम थोड़ा सा फॉर्मेट करेंगे जैसे कि बोल्ड करना ब्लैक करना ये सारी चीजें हो गए बाकी इसको करना है तो इसको पहले साइड करो एंड इसको भी हम क्या कर देंगे ब्लैक बाकी उसके बाद यहाँ से सेट कर दिया हमने तो ये हमारा आई कार्ड का फॉर्मेट तैयार हो गया जिसका डाटा आएगा रजिस्ट्रेशन क्वेरी से इसके अलावा आपको इस पर दो बटन्स भी बनाने हैं बटन्स को बनाने के लिए सिंपली आप क्या करेंगे बटन्स पे जाएंगे और बना देंगे याद रखिएगा इसमें आपसे डायलॉग बॉक्स नहीं पूछेगा तो आपको यहाँ मिटा के खुद से लिखना पड़ेगा प्रिंट ठीक है प्रिंट और उसके अलावा कंट्रोल डी करके आई मीन कंट्रोल सी कंट्रोल भी करके आपको यहाँ एक और रखना होगा जिसपे लिखा होगा कैंसिल या क्लोज दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं क्लोज लिख दिया मैंने बाकी बटंस को डिजाइन करना है तो फॉर्मेट में आपको मिल जाता है क्विक स्टाइल यहां से आप बटन को डिजाइन कर सकते हैं उनके शेप्स चेंज कर सकते हैं और कुछ तो ये हमने बना लिया है आप बटन का थोड़ा कलर में चेंज कर दू डन अब जब हम इसे सेव करेंगे कंट्रोल से तो इसका नाम आपको रखना है आईडी कार्ड हमने इसका नाम आई कार्ड रख दिया तो आप देखो नीचे आई कार्ड नाम का एक आ चुका है बटन अगर मैं इसको खोल के चेक करूं तो आप देखो कि स्टूडेंट की आई कार्ड जनरेट हो चुकी है बट ये वन राइट में जा रहा है तो फिर से मैंने इसको डिजाइन व्यू में खोला और पता है कि क्या करना है सेलेक्ट लेफ्ट अब चेक करेंगे व्यू बदल के व्यू हमने बदला यहां पे रिपोर्ट व्यू और ये लगभग ठीक दिखा रहा है लेकिन फिर भी मुझे ये वाले बॉक्सेस नहीं चाहिए तो मैंने दोबारा से इसको क्या किया डिजाइन व्यू में खोला और इसको पहले हटा लो साइड क्योंकि ये ये भी सेलेक्ट हो जाएगा सेलेक्ट करके फॉर्मेट में आपको मिलेगा सेप आउटलाइन यहाँ से आप कर देना ट्रांसपेरेंट ठीक है आप चाहें तो इसका कलर भी ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं कलर में भी जाकर आप क्या कर सकते हैं ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं बाकी इसको जहाँ था वहाँ वापस लगा दीजिए तो इतने आराम से आपका ये बन जाएगा बट ये बटन काम नहीं करेंगे क्योंकि इस बटन पे कोई एक्शन एड नहीं है इन एक्शन को एड करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है राइट क्लिक बिल्ड इवेंट और मैक्रो बिल्डर चुनकर ओके कर देना है इसके बाद यहां से आपको एक्शन ऐड करना है जो कि होगा प्रिंट ऑब्जेक्ट इस ऑप्शन का नाम होगा प्रिंट ऑब्जेक्ट प्रिंट ऑब्जेक्ट लेना है और बस सेव करके बंद कर देना है उसके बाद इस पे जाना है और इस पे जाने के बाद आपको बिल्ड इवेंट करना है राइट क्लिक लेना है इसके एक्शन में आपको चुनना होगा क्लोज विंडो ठीक है क्लोज विंडो अब विंडो का नाम पूछेगा तो पहले पूछ रहा है टाइप तो आपको यहां से चुनना है रिपोर्ट फिर रिपोर्ट का नाम पूछेगा आई कार्ड चुन लिया सेव किया क्लोज किया, किया। क्लियर है चलिए तो आशा करता हूं कि ये रिपोर्ट कैसे बनानी थी आपको समझ में आ गई है अब इसके बाद इसको कर देना है बंद बंद हो चुका है फिर हमें बनाना है एक एडमिशन रिसिप्ट जो कि एडमिशन वाले क्वेरी से बनाया जाएगा तो उसके लिए आपको जाना है क्रिएट पे रिपोर्ट डिजाइन पे और फिर से वही राइट right क्लिक करके पेज का हेडर फुटर बंद कर दीजिए और यहां पर एक लेबल बना के लिख दीजिए एडमिशन रिसिप्ट ठीक है बाकी कंट्रोल ई से सेंटर हो जाएगा कंट्रोलिप्ट ग्रेटर बड़ा हो जाएगा और कंट्रोल बी से बोल्ड भी हो जाएगा बाकी की फॉर्मेटिंग बाद में करेंगे लेकिन पहले हमें क्या करना है प्रॉपर्टी सीट में जाना है डाटा में जाना है और यहाँ से हमें चुनना है रिपोर्ट रिपोर्ट चुनते ही आपका डाटा आ गया रिकॉर्ड सोर्स जो कि हमारा होगा इस बार एडमिशन क्वेरी इस बार हमें एडमिशन क्वेरी लेना है एड एग्जिस्टिंग फील्ड में जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें दिखने लगेंगी जिनमें से आपको सेलेक्ट करके पहले फोटो से पहले का ले लेना है और यहाँ छोड़ देना है बीच में छोड़ना ठीक है उसके बाद क्या करना है उसके बाद आपको फोटो के बाद यानी डेट ऑफ बर्थ से यहां से लेना है शिफ्ट के साथ यहां तक और फिर इसको उठा के इसके जस्ट नीचे छोड़ देना है आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये फिर क्या करना है फिर इनको बराबर करना है बराबर कैसे करते हैं तो वो तरीका मैंने फॉर्म बनाते टाइम आपको बता रखा है सबसे पहले हमने इसको बराबर किया थोड़ा इसको छोटा कर लिया अच्छा लेफ्ट वाला बराबर होना हो तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कर लेते हैं कैसे करेंगे प्रॉपर्टी शीट में जाएंगे और ऑल पे जाएंगे यहाँ पर आपको वेड मिलेगी वेड हम कर देते हैं इसका कितना थ्री ज्यादा हो जाएगा थ्री पे बहुत ज्यादा हो गया हम इसको टू करके देखते हैं सही है टू पे सही है और इसको करते हैं इसकी भी चौड़ाई हम कितनी कर देंगे तो इसकी भी चौड़ाई हमने कर दी टू डन ये हो गया बाकी ये लेफ्ट में बराबर है कि नहीं तो उसके लिए राइट सेलेक्ट किया अरेंज पे जाके अलाइन को कर दिया लेफ्ट फिर इसको भी अगर आपको बराबर करना है तो अलाइन में जाके कर दीजिए लेफ्ट या राइट right कोई सभी कर सकते हैं आप ये बराबर होगा ठीक है ये एडमिशन की रिसिप्ट होगी उसके बाद सिंपली आपको इसे इधर साइड में कहीं रख लेना है एंड इस पे भी वो दो बटन आपको बनाने हैं लेकिन उससे पहले हम करते हैं फॉर्मेट ब्लैक बोल्ड ठीक है राइट वाला आप चाहें तो बोल्ड हटा सकते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है और वो दो बटन आपको फिर से बनाने हैं जो आई कार्ड में थे तो राइट क्लिक किया डिजाइन व्यू पे गए और इन बटन को हमने कॉपी कर लिया उसके बाद रिपोर्ट पे जाके पेस्ट कर दिया एंड पेस्ट करने के बाद आप इसे उठा के नीचे लगा सकते हैं चलिए भाई लेकिन इसमें एक जगह आपको परिवर्तन और करना पड़ेगा वो है आपका क्लोज वाला बटन क्योंकि क्लोज वाले बटन में आपको जाना है बिल्ड इवेंट पे और यहां देखो आई कार्ड सेलेक्ट है जबकि इस बार आपको दूसरा सेलेक्ट करना है लेकिन उससे पहले आपको उसे सेव करना पड़ेगा एक मिनट पहले इसको सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस सेव करेंगे और इसका नाम हम रख देंगे एडमिशन रिसिप्ट अब इसके बाद आपको क्या करना है कि इनको सिलेक्ट करके इनका बॉर्डर हटाना है तो बॉर्डर हटाने के लिए सिंपली आप फॉर्मेट में जाएंगे आउटलाइन पे जाएंगे और यहां से ट्रांसपेरेंट कर देंगे इसके साथ ही आप चाहे तो इसको भी ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं फिर आपका ये फॉर्म भी बनकर रेडी है आप एक बार इसे चेक कर सकते हैं कैसे चेक करेंगे उसके लिए आपको जाना है यहाँ पे रिपोर्ट व्यू में जाना है और आप देख सकते हैं ये बन के रेडी है बट इसमें भी देखो कोई लेफ्ट में कोई राइट right में आ रहा है तो वापस से हम व्यू को बदलेंगे और कंट्रोल जेट कर लेंगे कोई गलती होगी तो और इस बार हम कर देंगे फॉर्मेट में जाके लेफ्ट अलाइनमेंट या कंट्रोल एल इसका शॉर्टकट होता है अब हम चेक करेंगे व्यू बदल के तो अब आपका यह रिपोर्ट तैयार होकर आ गया अगर आप प्रिंट करेंगे तो आपको डायरेक्ट यहां से प्रिंट करने का ऑप्शन आएगा प्रिंटर का नाम चुनकर आप इसे प्रिंट कर सकते हैं ठीक है चलिए तो आशा करता हूं कि ये भी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं अगला जो है क्वेरी देखो जितने टेबल थे उतने फॉर्म जितने क्वेरी है उतने रिपोर्ट बनाने होंगे ये बात को समझ गए जितने टेबल है उतने फॉर्म बनाने होंगे जितने क्वेरी आपने किए हैं उतने रिपोर्ट बनाने होंगे तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे उसके लिए हम चले जाएंगे वापस से रिपोर्ट डिजाइन में और हेडर फुटर को तो पहले बंद कर लेंगे फिर इसके बाद हमारा जो टारगेट है वो कौन सा है डेटा में जाना है रिकॉर्ड का सोर्स चुनना है और इस बार हमें पेमेंट क्वेरी चुननी है पेमेंट क्वेरी हमने ले लिया एड एग्जिस्टिंग फील्ड में गए सभी सब, सब चाहिए हमें इस पे तो हमने शिफ्ट के साथ अंतिम को सेलेक्ट किया और उठा कर इसे यहाँ पे रख लिया इसके बाद इसके बाद लेफ्ट वाले साइड को थोड़ा सा हम इधर बड़ा करेंगे यहां पर हमने बना लिया और राइट वाले साइड को भी थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे क्योंकि बराबर ही है लगभग उससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है आप चाहे तो इसे बराबर कर सकते हैं प्रॉपर्टी सीट में ऑल पे जाकर आप इसकी चौड़ाई वेट को कर देंगे टू बराबर हो गया चले तो ये तो हो गया बाकी फिर क्या करना है आपको फॉर्मेट में जाना है बोल्ड करना है ब्लैक करना है लेफ्ट अलाइनमेंट देनी है ये सारी चीजें बाकी रिपोर्ट डिजाइन में आपको मिलेगा लेबल लेबल खींचना है और यहां बना देना है पेमेंट रिसिप्ट पेमेंट रिसिप्ट कंट्रोल ई से सेंटर होगा कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से बड़ा होगा कंट्रोल बी से बोल्ड होगा और फिर ये आपका ब्लैक कर दिया जाएगा हो गया बाकी ये थोड़ा सा अच्छा लगे इसके लिए यहां से हम क्या कर देंगे एक रेक्टेंगल भी इसके ऊपर चाहे तो खींच सकते हैं इतना बड़ा ठीक है इसको पीछे भेजना होगा तो अरेंज में आपको मिलेगा सेंड बैक ये कर देंगे और फाइनली फाइनली फाइनली, फाइनली लास्ट में हमें दो बटन इस पे डाल देने हैं कंट्रोल भी किया ये दोनों बटन्स आ चुके हैं कॉपी एक बार कर चुके थे अब यहां से हम राइट क्लिक करेंगे राइट क्लिक करेंगे और यहां से बिल्ड इवेंट करके इसका नाम बस आईडी की जगह चेंज करेंगे लेकिन फिर से वही प्रॉब्लम है एक मिनट आपको पहले से सेव से सेव सेव करना करना है 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 किस नाम से? सेव कर देना है आपको इसे, पेमेंट नाम से और फिर आप इस बटन को बदल सकते हैं तो बिल्ड इवेंट में जाना है यहाँ आईडी कार्ड की जगह आपको क्या चुनना है आईडी कार्ड की जगह आपको यहाँ पेमेंट रिसिप्ट चुनना है एडमिशन रिसिप्ट हो गया पेमेंट रिसिप्ट चुनना है क्लोज यस आई थिंक मैंने लास्ट वाले में नहीं बदला था तो एक बार देख लेते हैं राइट क्लिक डिजाइन व्यू क्लोज वाले बटन की कोडिंग आपको चेंज करनी होगी तो क्लोज पे राइट क्लिक बेल्ड इवेंट और हाँ आई कार्ड ही यहाँ दिखा रहा है तो मैंने इसको चेंज कर दिया एडमिशन रिसिप्ट में ठीक है तो ये हो गया हमारा एडमिशन रिसिप्ट का कंप्लीट और ये सब हमने बना लिया है कंप्लीटली ठीक है सबको बंद कर दो अब देखो आपका आई कार्ड जनरेट हो जा रहा है यहाँ पे इससे प्रिंट हो जा रहा है यहाँ से क्लोज हो जा रहा है उसी तरह से पेमेंट रिसिप्ट जनरेट हो जा रहा है यहाँ से एक प्रिंट हो जा रहा है और यहाँ से क्लोज हो जा रहा है पेमेंट रिसिप्ट पे मुझे एक चीज़ दिखी जो हटानी चाहिए तो वो क्या है वो है आउटलाइंस इन आउटलाइंस को हम फॉर्मेट में जाकर सेप आउटलाइन से हटा देंगे सेप फिल को भी हम ट्रांसपेरेंट कर देंगे और वापस से इसको वहीं लगा देंगे जहाँ पर ये पहले था डन फिर यहां पे इसको कर दिया क्लोज सेव, काम हो गया। तो अब सारी चीजें हमने बना ली है ओवरऑल हमारे पास सारी चीजें बन चुकी हैं। अब आपको क्या करना है अब आपको सिंपली एक डैशबोर्ड बनाना है जिससे कि हम इन सभी को एक साथ एक्सेस कर सके तो उसके लिए आपको जाना है क्रिएट में क्रिएट में जाने के बाद आपको जाना है फॉर्म डिजाइन में देखो इस बार आपके पास कोई फॉर्म पहले से अवेलेबल नहीं है तो आपको फॉर्म डिजाइन पे जाना है फॉर्म डिजाइन पे जाने के बाद आप इसे जितना बड़ा कर सकते हैं कर लीजिए मैंने इतना बड़ा रखा इसे और इसको हटा के देखा तो देखो हटाने का मतलब है कि ये जो नेविगेशन आ रही है इसको छुपा दीजिए तो मुझे सॉरी तो मुझे यहां पर इतना जगह भी बेकार दिख रहा है तो मैंने इसको ले लिया डन अब इसके बाद क्या करें इसके बाद हम इसे सिंपली सेव कर सकते हैं कंट्रोल एस किया सेव किया इसका नाम रख दिया डैश बोर्ड राइट क्लिक करेंगे और राइट right क्लिक करने के बाद हम यहां से लगाएंगे फॉर्म का हेडर एंड फूटर फॉर्म के हेडर में हमें थोड़ी सी बातें लिखनी है जो मैं बता दे रहा हूं फॉर्म डिजाइन में जाना लेबल उठाना और यहां लिख देना वेलकम टू स्टूडेंट मैनेजमेंट स्टूडेंट डाटा मैनेजमेंट सिस्टम ठीक है कंट्रोल इसे सेंटर करेंगे कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर से थोड़ा इसे बड़ा कर लेंगे थोड़ा बोल्ड कर लेंगे और हमारा काम हो जाएगा आप चाहे तो इसे थोड़ा चौड़ा करके और बड़ा कर सकते हैं ठीक है उसके लिए आप इसके बॉक्स को भी बड़ा करेंगे क्योंकि यह दोनों तरफ से छुप रहा है तो ये हमारा कंप्लीट हो गया अब इसके बाद क्या कर सकते हैं अब इसके बाद में आप इसमें चाहे तो कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं जैसा हमेशा से करते आ रहे हैं यहां पर मुझे उन सारे फॉर्म्स को वन बाय वन जोड़ना है जो हमने बनाए हैं फॉर्म हो या रिपोर्ट हो ठीक है फॉर्म हो या रिपोर्ट हो उसके लिए जाना है आपको फॉर्म डिजाइन में यहां से करना है इंसर्ट इमेज ब्राउज करेंगे और जो पिक्चर आप, मैं आपको यहां दिखा रहा हूं वो आपको डाउनलोड करके रख लेने हैं ठीक है यहां पर मैंने आपको कुछ पिक्चर्स दिखा दिए ये आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेने हैं गूगल पे सिंपली जाकर अब सबसे पहले मुझे जो है इंक्वायरी चाहिए तो इन्क्वायरी पे क्लिक किया ओके किया और यहाँ पे बना दिया एक ही बनाना है ज़्यादा नहीं तो एक हमने बनाया यहाँ छोटा सा इतना बड़ा और इसके बाद एक टेक्स्ट बॉक्स भी आई मीन लेबल भी यहाँ पर हमने इसके साथ बना दिया और इस लेवल पे लिखा होगा इंक्वायरी फॉर्म ठीक है कंट्रोल ई e करेंगे तो सेंटर हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से बड़ा हो जाएगा कंट्रोल बी से बोल्ड हो जाएगा बाकी चीज है फॉर्मेट में जाकर आप इसे ब्लैक भी कर सकते हैं ये आपका काम हो गया कंप्लीट फिर आप चाहे तो फॉर्मेट से थोड़ी सी इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं जो मैं करने जा रहा हूं यहां पे मैंने कलर ऐड किया और टेक्स्ट का कलर मैंने यहाँ से वाइट ऐड किया बाकी इसको थोड़ा सा पतला कर देंगे ठीक है तो ये हमने यहां पर बना लिया अब इसी को किया हमने कॉपी पेस्ट कॉपी करके पेस्ट और साइड में यहां पर मैंने इसे लगा दिया अब कॉपी नहीं करना पेस्ट करते जाना है तीन चार ये तो चार हो गए फॉर्म के लिए और तीन होंगे र, र, रिपोर्ट के लिए तो एक दो तीन कुल सात बार मैंने इसे पेस्ट किया अब यहां पर इंक्वायरी फॉर्म की जगह क्या लिखना होगा इंक्वायरी फॉर्म की जगह मुझे लिखना होगा रजिस्ट्रेशन ठीक है रजिस्ट्रेशन फॉर्म अब इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे या फिर जैसा है ठीक है यहाँ पर मुझे रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जगह इंक्वायरी फॉर्म की जगह लिखना होगा एडमिशन फॉर्म फिर उसके बाद में हम यहाँ पर इसे मिटा देंगे और इसे लिख देंगे पेमेंट फॉर्म ठीक है अब ये तीनों रिपोर्ट हैं तो मैंने यहाँ लिख दिया आई कार्ड यानी आईडी कार्ड आईडी कार्ड फिर यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया यहां पे लिख दिया मैंने एडमिशन रिसिप्ट और अंत में लिख दिया मैंने पेमेंट रिसिप्ट क्योंकि हमने इन सब चीजों के लिए बना रखा है ठीक है अंत वाले को थोड़ा सा राइट में कर दे रहा हूं चलो जी तो ये तो कंप्लीटली बन गया अभी ये छोटा हो रहा है तो इसको हम इधर सेट कर लेते हैं बाकी सारी चीजें हो गई रही बात इनके पिक्चर्स को बदलने की तो इस इसपे क्लिक करना है इंसर्ट पिक्चर पे जाना है ब्राउज करना है और जो पिक्चर आपने डाउनलोड किया है उसी में से कोई दूसरा पिक्चर आपको सेलेक्ट कर लेना है यानी कि इस बार हमें इंक्वायरी के बाद रजिस्ट्रेशन करना है तो ये वाला पिक्चर हमने सेलेक्ट किया सेलेक्ट करते हैं ये खुद ब खुद चेंज हो जाएगा फिर इस इसपे क्लिक किया इंसर्ट पे गए ब्राउज किया उसके बाद एडमिशन है तो एडमिशन के लिए आप देख लो एडमिशन के लिए कौन सा है तो ये रहा एडमिशन के लिए ये एडमिशन के लिए डाल दिया फिर इस पर एडमिशन के बाद आपको क्या दिख रहा है।, फिर फाइनली आपको यहां से इंसर्ट पे जाना है और आई कार्ड के लिए आप इसको यूज कर लीजिए उसके बाद अच्छा याद रखिए कि फॉर्म के लिए जब आप फोटो डाउनलोड कर रहे हो तो पी या जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए उसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मेट नहीं होना चाहिए एडमिशन रिसिप्ट जो है वो आपको मिल जाएगा कौन से पे एडमिशन रिसिप्ट ये वाला लगा लीजिए और लास्ट में आपका जो पेमेंट का रिसिप्ट है उसके लिए आप एक और पिक्चर है ये वाली इसको लगा लीजिए तो ये ओवरऑल आपने क्या कर लिया सब सारी चीजों को बना लिया बाकी नीचे ये जो वेस्ट जगह है इसको थोड़ा कम कर दीजिए और ये आपका फॉर्म बन के रेडी है ठीक है अब जब हम इसको रन करेंगे तो कुछ ऐसा लुक हमें मिलेगा जिसपे क्लिक करने पर ये फॉर्म्स खुलेंगे लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है उससे पहले आपको थोड़ा सा काम और करना है हर फॉर्म के साथ रजिस्ट्रेशन फॉर्म को राइट क्लिक करेंगे डिजाइन व्यू में जाएंगे और सीधा प्रॉपर्टी में जाके आपको एक जगह मिलेगा अदर इसमें पॉपअप को यस कर देना है बस इतना करते जाइए ठीक है और बंद करते जाइए ठीक है दूसरा रजिस्ट्रेशन के बाद ये खोल लिया हमने पेमेंट इसके भी प्रॉपर्टी में जाना है अदर में पॉपअप को यस कर देना है इसको बंद करके सेव कर देना है फिर यहाँ पर इंक्वायरी में भी आपको वही करना है डिजाइन व्यू में जाना है प्रॉपर्टी में जाना है पॉपअप को यस करना है ये काम आप पहले भी कर सकते थे और बंद कर देना है ठीक है बंद करके सेव कर देना है फिर चौथा डैशबोर्ड डैशबोर्ड में नहीं करना ये काम एडमिशन पे करना है ठीक है एडमिशन पे हमने गए हम चले गए उसके बाद इस पे गए यहाँ से यस किया और इसे क्लोज कर दिया ये काम हो गया अब डैशबोर्ड पे हम वापस आ चुके हैं और डैशबोर्ड पे आपको हर नंबर आ, हर टेक्स्ट के साथ उसे जोड़ना है तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे इस पे राइट क्लिक आ, पहले तो डिजाइन फॉर्म भी में खोलेंगे इस इसपे आपको राइट क्लिक करना है इंक्वायरी टेक्स्ट पे बिल्ड इवेंट में जाना है कोड बिल्डर में जाना है और यहां से चुनना है आपको ओपन फॉर्म यहां से चुनना है आपको ओपन फॉर्म देख लीजिएगा कहा मिल रहा है आपको ओपन फॉर्म फॉर्म का नाम सिंपली आपको यहां चुन लेना है इंक्वायरी फॉर्म बस सेव करना है यस yes. ये हो गया दूसरा आते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो यहां से आपको बिल्ड इवेंट में जाना माइक्रो बिल्डर में जाना है फिर यहां पे आपको फिर से चुनना है ओपन फॉर्म ओपन फॉर्म और नाम को यहां से चुन लेना है आपको क्या इस बार रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्लोज करना है सेव करना है यस yes. फिर यहां पर आपको अगेन इस पे जाना है माइक्रो बिल्डर चुनना है और फिर से चुनना है आपको ओपन फॉर्म तो जैसे जैसे होते जा रहे हैं आप चुनते जाइए सबके साथ और इस बार आपको चुनना क्या है इस बार आपको एडमिशन फॉर्म चुनना है तो एडमिशन फॉर्म हमने चुना और यहां से क्लोज कर दिया फिर पेमेंट फॉर्म की बारी है राइट right क्लिक किया बिल्ड इवेंट में गए बिल्डर चुना और यहां से हमने चुना ओपन फॉर्म ओपन फॉर्म चुना फॉर्म का नाम हमने चुन लिया यहाँ पर क्या तो पेमेंट क्लोज किया सेव किया यस yes. लेकिन इसके बाद ये जो तीनों है ना ये रिपोर्ट है तो इसके लिए बिल्ड इवेंट पे जाइए मैक्रो बिल्डर चुनिए और ओपन फॉर्म की जगह इस बार आपको चुनना होगा ओपन रिपोर्ट ओपन रिपोर्ट चुनना है और उसके बाद आपको रिपोर्ट में आई कार्ड लिख देना है ठीक है फिर उसी तरह से एडमिशन रिसिप्ट पे जाना है बिल्ड इवेंट पे जाना है मैक्रो बिल्डर चुनना है ओपन फॉर्म नहीं ओपन रिपोर्ट क्योंकि अभी जो हमें मिलेगा वो रिपोर्ट होगा और इस पे हमें एडमिशन रिसिप्ट को चुन लिया और लास्ट में हमारे पास क्या है पेमेंट रिसिप्ट राइट क्लिक बिल्ड इवेंट कोड बिल्डर एंड वही चीज आपको ओपन रिपोर्ट लेनी है एंड फाइनली 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 ये हमारा हो गया इसके बाद एक चीज जो मिस है वो है इनका पॉपअप करना इस पे भी राइट क्लिक किया डिजाइन व्यू में गए और प्रॉपर्टी शीट में जाके पॉपअप को यस करना है हर जगह आपको हर जगह पॉपअप को यस कर देना है बस डैशबोर्ड छोड़ के डिजाइन व्यू में जाना है प्रॉपर्टी शीट में जाना है पॉपअप को यस करना है उसके बाद में इसे क्लोज कर देना है यस करके फिर एडमिशन रिसिप्ट की बारी इसमें भी आपको उसी तरह से पॉपअप को क्या कर देना है यस yes कर देना है और ये आपका फाइनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनके रेडी हो गया आप देखो जब आप इस पर क्लिक करते हो पहले आप व्यू बदल लेंगे जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुलकर आएगा इंक्वायरी फॉर्म जहां से आप न्यू रिकॉर्ड करके नया रिकॉर्ड एड कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आएगा जहां पे आप क्लोज कर सकते हैं एडमिशन पे एडमिशन का डेटा ला जाएगा क्लोज कर सकते हैं और उसी तरह से पेमेंट पे भी है जब आप सेव करोगे तो सेव का ऑप्शन आएगा आप चाहो तो नया लगा सकते हो नेक्स्ट प्रीवियस देख सकते हैं क्लोज करेंगे आई कार्ड पे जाएंगे तो आई कार्ड यहाँ पर बन के आ जा रहा है और एडमिशन पे भी ऐसे ही आ रहा है और रिसिप्ट पे भी आ रहा है बट इसके लिए मुझे एक छोटा सा काम करना है और वो आखिरी काम होगा वो काम क्या है कि मैं चाहता हूं कि जब मैं आई कार्ड जनरेट करू ना तो मुझसे पहले पूछा जाए कि किसका आई कार्ड जनरेट करना है रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आई कार्ड जनरेट हो तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन क्वेरी को डिजाइन व्यू में खोलना है और यहां क्राइटेरिया में रजिस्ट्रेशन नंबर के नीचे क्राइटेरिया में लिख देना है बड़ा ब्रैकेट देकर इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर बड़ा ब्रैकेट बंद ठीक है सिंपल काम करना है तीनों के साथ तीनों में पेमेंट में भी वही करना है आपको पेमेंट में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर ना देते हुए रिसिप्ट नंबर देना है तो आपको लेना है यहां पे बड़ा ब्रैकेट इंटर रिसिप्ट नंबर इसको भी आपको क्लोज यहां से कर देना है सेव और तीसरा जो है वो फाइनल वो भी डिजाइन कर देना है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर के क्राइटेरिया में जाकर आपको लिख देना है इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर ब्रैकेट बंद एंड क्लोज इतना करने से आपको एक फायदा होगा कि जब आप डैशबोर्ड खोलते हैं तो इत का तो हमने देख लिया आई कार्ड पे जाते ही आपसे पूछेगा इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर आप डालेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर उसी का आएगा बस उसको प्रिंट कर सकते हैं तो ओवरऑल देखा जाए तो ये आपने कंप्लीट बना लिया है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और जो भी बातें मैंने आपको बताई आशा करता हूं कि आपने ये वीडियो पूरी देखी और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपने जरूर इसमें डेटाबेस बनाना सीख लिया होगा तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर किसी और सब्जेक्ट में ठीक है तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में